हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम टू मना प्राइम। एपिसोड शर्ट में देखते हैं जी एल्डर एजेंट को एक स्क्रॉल देता है। उस स्क्रॉल को एजेंट को देखकर उस लाइब्रेरी से बाहर निकल जाता है और फिर एजेंट से कहता है कि उसे इस स्क्रॉल को अच्छी तरह समझना है। उस एल्डर के पास जाने के बाद एजेंट स्क्रॉल को खोलता है और उसके सामने बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। जैसे एजेंट कल्टीवेट करना शुरू करता है, एजेंट को कुछ अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं जिसके अंदर एक अजीब सा बीस्ट है। फिर अगले सीन में वहां पे कोई इंसान दिखाई देने लगता है और फिर उसके अगले सीन में उस इंसान की कोई गर्दन काट देता है। ये देखकर एजेंट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत एजेंट का कल्टीवेशन टूट जाता है। एजेंट अपनी आँख खोल लेता है, तभी एजेंट को अपने माइंड में एक आवाज सुनाई देती है, गॉड ब्लड एंड हेवन स्वॉर्ड। इस आवाज को सुनकर एजेंट घबराते हुए कहता है, मुझे भी कुछ ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो तलवार वो हायर स्कोर स्वॉर्ड थी। लेकिन अभी भी एक चीज है जो मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे इससे सीखना क्या है। तभी एजेंट को थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है। एजेंट कहता है, शायद मुझे पता करना है जिसका वो गर्दन कटी है उसको कैसा फील हुआ, यानी कि मुझे उसकी फीलिंग को पता करने की कोशिश करना है। ये कहते हुए एजेंट उस कल्टीवेटर की जगह खुद को इमेजिन करने लगता है। वो सोचता है वो एक जगह बैठा हुआ है, उसके हाथ बंधे हुए हैं और उसके पास में एक बंदा खड़ा है जिसके हाथ में एक तलवार है। वो बंदा उस तलवार जोर से घुमाता है। एजेंट सोचता है शायद मुझे डरना चाहिए, लेकिन फिर अगली बार एजेंट सोचता है नहीं, मुझे डर का अनुभव नहीं हो रहा। फिर एजेंट अपने साथ में हुई कुछ घटना के बारे में सोचने लगता है जिसमें लोग उसे बहुत ज्यादा परेशान करते थे। ये सारी इमेजिनेशन उस टाइम की है जब एजेंट के गाँव के सभी लोग मर चुके थे और एजेंट फॉरबिडन कैसेट की तरफ निकला था। इस पूरे सफर में उसे कई सारे लोग कई कई तरीके से परेशान करते हैं। एजेंट ये इमेजिन करते हुए कहता है, मुझे फील हो रहा है, मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। एजेंट के इतना कहते ही उस स्क्रॉल के अंदर से एक स्पिरिट बाहर निकलती है। ये स्पिरिट उसी कल्टीवेटर की है जिसकी गर्दन कट गई थी। वो स्पिरिट सीधे उस स्क्रॉल में से बाहर निकलकर एजेंट की बॉडी के अंदर घुस जाती है। इससे एजेंट को बहुत डरने लगता है। एजेंट कहता है, ये क्या हो रहा है, इस स्पिरिट की वजह से मेरी बॉडी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बर्न होकर खत्म हो रही है, मुझे जल्दी से कुछ और सोचना होगा, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। शायद मैंने अभी तक केवल आधा आंसर ही ढूंढा है, शायद गुस्सा अकेला काफी नहीं है, मुझे कुछ और सोचना होगा जल्दी जल्दी वरना मैं मर जाऊंगा। इस टाइम पे एजेंट कुछ और सुनने में लगता है। एजेंट सोचता है, हाँ वो स्वॉर्ड, वो हेवन स्वॉर्ड जिससे उस कल्टीवेटर की गर्दन कटी थी जो कि गोल्ड लेवल पे था, यानी कि इसका मतलब वो तलवार गोल्ड लेवल कल्टीवेटर से भी ज्यादा ताकतवर थी, यानी कि हो सकता है इस स्वॉर्ड का मतलब हो गुस्सा और हेवन स्वॉर्ड जब एक साथ में आते हैं तो इनका एक परफेक्ट बैलेंस बनता है। जैसे एजेंट को समझ में आता है, एजेंट की बॉडी से वो स्पिरिट बाहर निकल जाती है। एजेंट कहता है, मैं समझ गया, मैंने कर दिया। ये कहते हुए एजेंट बेहोश जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो एल्डर उस लाइब्रेरी के अंदर आ गया है। एजेंट अभी भी बेहोश है। एल्डर ने एजेंट को अपनी गोद में उठा रखा है। वो एजेंट को देख कहता है, देखने से लगता है इस लड़के ने कर दिया है, अब इस लड़के की एनर्जी की वजह से मैं अपना कल्टीवेशन कर पाऊंगा, अब मैं भी नेक्स्ट लेवल पे जा पाऊंगा। यहाँ से हमें फिर से कुछ घंटों बाद सीन दिखाते हैं। एजेंट एक पलंग के ऊपर लेटा हुआ है, उसकी बॉडी से धुआं बाहर निकल रहा है। एजेंट की बॉडी बहुत ज्यादा गर्म है, तभी एजेंट को एकदम सोच जाता है। एजेंट उठता है और कहता है, एक बार फिर से मेरी जान बच गई, मैं फिर से अभी तक जिंदा हूँ और मेरे इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है, चलो छोड़ो जान दो इस बात को, मेरे को भी शराब पीनी चाहिए, मुझे याद है मैंने अपनी अंगूठी के अंदर लगभग आधी बोतल शराब रखी थी। तभी वहां पर वो एल्डर आ जाता है और एजेंट से कहता है, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो। एजेंट एल्डर की तरफ देखता है, एल्डर के हाथ में एक बोतल है, ये यहाँ पर मेरे पास में है, मैंने इसमें से कुछ घूट पी लिया है, इसका टेस्ट सच में बिल्कुल बेकार है। एजेंट कहता है, क्या सच में ऐसा है, लेकिन मुझे तो इसकी आदत है। ये कहते हुए एजेंट बोतल उठा लेता है और उसमें शराब को पीने लगता है और फिर खांसते हुए कहता है, ये शराब काफी अच्छी है, इससे मुझे कल्टीवेशन में बहुत मदद मिलती है। तभी वो एल्डर कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यकीन है तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, क्योंकि एक कल्टीवेटर और स्पेशली तुम जैसा नॉर्मल कल्टीवेटर जिसने डीमन इलेक्ट्रिसिटी पावर को इनहेरिट किया है वो कभी भी शराब नहीं पी सकता, उसकी बॉडी उस शराब को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, तुम इसे कैसे पी पा रहे हो। ये सुनकर एजेंट बहुत ज्यादा चौंक जाता है। एजेंट सोचता है, ओह नो, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, ये तो मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा दिमागदार है, अब मैं फंस गया हूँ, अब मुझे उस किताब के बारे में बताना होगा, लेकिन नहीं मुझे कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए, अगर मैंने उसे इस किताब के बारे में बता दिया तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। नाइन्थ बेंडिट ने मुझसे कहा था कि मैं उस किताब की रखवाली करूं, मुझे जल्दी से कुछ और सोचना होगा। ये सोचकर एजेंट जोर जोर से रोने लगता है और फिर कहता है, वो क्या है ना, मैं ऐसा करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा अलग हूँ, मैं बहुत स्पेशल हूँ। तभी एल्डर से बीच में रोक देता है और उसे कहता है, नहीं तुम्हें एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, वैसे क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी के अंदर टोई टोई का ब्लड है। पिछले कुछ दिनों में मैं दुनिया भर में इधर उधर देख रहा था, तब मुझे पता पड़ा टोई टोई नाम का एक बीस्ट है जो कि पृथ्वी और आकाश को निगल सकती है, शायद तुम्हारी बॉडी के अंदर टोई टोई और ह्यूमन का ब्लड है जिसकी वजह से तुम डीमन इलेक्सर को डायरेक्टली इनहेरिट कर सकते हो और फिर तुम्हें कुछ होता भी नहीं है। ये सुनकर एजेंट सोचने लगता है, ये क्या बेकार की बातें कर रहा है, यानी कि इसकी बातों का मतलब है मेरे फैमिली के लोग इन बीस्टों के साथ जाके, नहीं नहीं मुझे तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। तभी वो एल्डर ये कहता है, मुझे पता है, शायद तुम्हें भी पता होगा कि तुम्हारी बॉडी के अंदर डबल ब्लड है और मैं समझता हूँ तुम इस बारे में किसी को क्यों नहीं बताते, ये बहुत ही शर्मनाक है।
स्पेशली तुम्हारे लिए। लेकिन मेरा यकीन मानो, इसमें शर्म वाला कुछ भी नहीं है। मिक्स ब्लड वाले लोग भी कल्टीवेशन कर सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है तुम इस बारे में हर किसी को बताओ ही। जिसमें को लेजेंड सोचने लगता है, चलो बढ़िया है, इसने खुद ही जॉब सोच लिया, अब मुझे इसे कुछ भी समझाना नहीं पड़ेगा और ना ही इससे किसी भी तरह का झूठ बोलना पड़ेगा, बस मुझे हाँ में हाँ मिला देनी चाहिए। ये सोचकर एजेंट कहता है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बहुत ही होशियार हैं, आपने सब कुछ पता लगा लिया, अब आपसे बात करके मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तभी वो एल्डर आई कहता है, वैसे उस ड्राइंग का क्या हुआ, क्या उस ड्राइंग से तुम्हें कुछ समझ में आया? एजेंट कहता है, हाँ मुझे समझ में आ गया, इस स्क्रॉल का मतलब है गुस्सा जो कि इस ड्राइंग के विक्टिम के अंदर था, जिसकी वजह से उसकी गर्दन कटी। जब मैं इस ड्राइंग को समझ रहा था तो इसका असर मेरे ऊपर भी हुआ, मेरी बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी आग का रूप लेकर जोर जोर जलने लगी। आमतौर पर लोग इस ड्राइंग का मतलब केवल इतना समझ के रह जाते हैं, उनको लगता है इसका मतलब गुस्सा है, लेकिन नहीं, ये इसका पूरा मतलब नहीं है। जो केवल इस ड्राइंग का मतलब केवल इतना ही समझते हैं, वो कुछ ही टाइम में अपनी बॉडी पे से अपना कंट्रोल खो देते हैं। लेकिन किस्मत से मुझे इसके आए का भी समझ में आ गया, इस ड्राइंग का मतलब वो कारण है जिसकी वजह से विक्टिम को गुस्सा आया और उसकी मौत हुई। इस ड्राइंग का सच है स्वॉर्ड सेंस, जिसमें एल्डर सोचने लगता है, अब मुझे समझ में आया, प्रीवियस डिसिपल कभी भी इस स्क्रॉल को समझ क्यों नहीं पाए और वो सभी मारे क्यों गए, क्योंकि इस ड्राइंग के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा और स्वॉर्ड सेंस था। एजेंट आई कहता है, इस ड्राइंग का आखिरी मतलब है, कल्टीवेटर चाहे कितना भी गुस्सा हो, अगर उसकी गर्दन कटने को आएगी तो वो कटेगी, क्योंकि स्वॉर्ड सेंस किसी भी कल्टीवेटर के गुस्से से ज्यादा ताकतवर होती है। एजेंट की पूरी बात सुनकर वो एल्डर थैंक यू बोलकर यहां से चला जाता है। एजेंट जीव दिखाने लगता है और सोचता है, मैंने केवल इतने थैंक यू के लिए अपनी जान खतरे में डाली, ये तो मुझे ऐसे ही छोड़ के जा रहा है। फिर हम उस एल्डर को देखते हैं, वो एल्डर एक पेड़ के नीचे खड़ा है, वो अभी भी खुश नहीं है, वो बहुत निराश है, उसको जो चाहिए था वो उसे अभी तक नहीं मिला है। वो एल्डर उस पेड़ के ऊपर देखते हुए कहता है, मैंने सोचा था उस स्क्रॉल के अंदर कोई गॉड टियर की स्किल होगी जिसकी वजह से मैं अपने लेवल अप कर पाऊंगा, मेरे अपनी लाइफ का काफी लंबा टाइम केवल उस स्क्रॉल को समझने में खर्च कर दिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था उस स्क्रॉल के अंदर केवल एक फाइटिंग स्किल है, ना कि कोई कल्टीवेशन स्किल। अब तो मुझे लगता है मेरे पास में कोई भी रास्ता नहीं है, मैं कभी भी लेवल अप नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नहीं, मैं इसे हार नहीं मान सकता, मैं अभी भी अपने लेवल अप करने के लिए सब कुछ करूंगा। ये कहते हुए एल्डर किसी स्किल को यूज करता है, उसके साथ करते ही वहां पर एक बहुत बड़ा सर्कल चक्र दिखाई देता है। फिर वो एल्डर एक छोटे से कांच को किस तरफ फेंकता है, जैसे ही वो कांच जमीन पे गिरता है वो कांच एक बहुत बड़ा रूप लेता है। हम देखते हैं उस कांच के पीछे एक बहुत बड़ी परछाई है जो कि कह रही है, नाइन्थ ब्रदर क्या ये तुम हो? फिर हम देखते हैं उस बड़े से कांच के पीछे एक आदमी है जो कि एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, उस आदमी का साइज बहुत बड़ा है। वो आदमी हमारे एल्डर से कहता है, आखिरकार तुमने अपनी फैमिली से बात करने का डिसीजन कर लिया? एल्डर कहता है, बिल्कुल भी कोशिश मत करना, मैंने पहले यहाँ पर एक सर्किट बिछा दिया है जिसकी मदद से आप कभी पता नहीं लगा पाएंगे मैं किस जगह पर हूँ, आप मेरी लोकेशन को ट्रैक नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोशिश भी मत करो। ये सुनकर वो आदमी कहता है, तुम अभी भी पहले जैसे ही हो, बहुत ज्यादा सतर्क, लेकिन इसका मतलब क्या है, तुम हमसे बात करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इसका मतलब मैंने समझा है कि तुम्हारी लाइफ का आखिरी टाइम आ चुका है, इसलिए तुम हमसे बात कर रहे हो। आपके अतीत में आपसे फैमिली ने कैसा व्यवहार किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत मजबूत थे, आपने चोरी छिपे वेटोसो फेस को पार किया, आपने फैमिली की सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइंग को चुराया और उसके बाद में कई सालों तक छुपके रहे, इसका क्या फायदा निकला? अब आपको देखो, अब तो आप अपना ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पा रहे, अपना लेवल अप भी नहीं कर पा रहे, क्या इसके लिए आपने फैमिली को छोड़ा? फैमिली के रिसोर्सेज के बावजूद भी अभी तक आप इमोर्टलिटी फेज तक नहीं पहुंच पाए हैं, अब ये जजमेंट का टाइम है, चुनिए अब वो क्या करना है। एल्डर कहता है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 500 साल से ज्यादा हो गए मैं इसी फेज पर अटका हुआ हूँ, मैं अपना लेवल अप नहीं कर पा रहा, और अब तो मुझे ऐसा भी लग रहा है मैं कभी भी लेवल अप नहीं कर पाऊंगा, मैं मरने वाला हूँ, थोड़े टाइम में मैं मर जाऊंगा, ये मेरी लाइफ का लास्ट टाइम है। ये सुनकर कांच के पीछे बैठा हुआ आदमी कहता है, नाइन्थ ब्रदर अगर आपको पछतावा है तो फिर ठीक है, उस ड्राइंग को लौटा दो और उसके बाद में थर्ड ब्रदर से माफ मांग लो, मैं भी आपकी तरफ से बात करूंगा, वो सब आपको माफ कर देंगे, फैमिली के सपोर्ट से उनके रिसोर्स की मदद से हो सकता है आप लेवल अप कर पाओ और इमोर्टिलिटी फेज पे पहुंच पाओ। ये सुनकर एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, एल्डर चिल्ला कहता है, आप क्या चाहते हैं, मैं उससे माफ मांगू ये जानने के बाद में उसने मेरे बेटे के साथ में क्या किया था? थर्ड ब्रदर बहुत ही घटिया है, वो बहुत ज्यादा इविल है, मैं उसे किसी भी हाल में माफी नहीं मांगूंगा। कांच के पीछे वाला आदमी कहता है, क्या ये सच में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मुझे लगा था 7 साल बीत चुके हैं, अब तक आप समझ चुके होंगे। एल्डर कहता है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं समझ चुका हूँ, तो क्या हुआ, मेरे भाग्य में हेवन का सुख नहीं है? तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपसे संपर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं मरने वाला हूँ या फिर मेरा लेवल अप नहीं हो रहा, मैंने आपको ये बताने के लिए बुलाया है कि मैं यहाँ पर शांत नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पर अपनी तलवार को तेज कर रहा हूँ, फैमिली जो कुछ भी कर रही है मैं उसको नष्ट कर दूंगा, उन सभी को बहुत पछतावा होगा, मेरी प्लानिंग पूरी तरह से रेडी है, आप बस तैयार रहना। ये कहने के बाद मैं एल्डर किसी स्किल का यूज करता है जिससे वो कांच धीरे धीरे टूटने लगता है, ये देखकर उस कांच के पीछे वाला आदमी कहलाता है, नाइन्थ ब्रदर रुक जाओ, पागल मत बनो। वो आदमी से चिल्लाते रह जाता है और कांच टूटे टूटे होकर उधर बिखर जाता है।
कांच के टूट के बिखर जाने के बाद में वो एल्डर वहां से चला जाता है। फिर हमें एजेंट को दिखाते हैं। एजेंट अभी भी उस लाइब्रेरी के अंदर है। एजेंट की शराब खत्म हो चुकी है। शराब खत्म होने के बाद एजेंट कहता है, ये ठीक नहीं हुआ, मेरी शराब खत्म हो गई, मुझे अभी भी और पीने का मन था। तभी एजेंट सोचने लगता है, शायद मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी और ज़्यादा रिफाइन हो गई है। चलो एक बार टेस्ट करके देखते हैं, ये कहते हुए एजेंट खड़ा जाता है और उस लाइब्रेरी में रखी हुई चार पांच चीज़ें देखने लगता है और फिर अपने स्किल यूज करता है। उसके साथ करते ही जिन चार पांच चीज़ों को उसने सिलेक्ट किया था वो सभी हवा में उड़ने लगती है और एजेंट के सर के पास आ जाती है। ये देखकर एजेंट कहता है, ये काम कर रहा है, मेरी स्किल की मदद से मैं चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर वो एल्डर जाता है और कहता है, यहाँ क्या हो रहा है। वो एजेंट से देखता है, एजेंट के आसपास में काफ़ी सारी चीज़ें उड़ रही है। वो एजेंट के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगता है और एजेंट से कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था यहाँ पे सारी चीज़ें एक तरह खजाना है, तो मैं इनमें से कुछ भी चुरा नहीं सकते हो। ये कहते हुए एल्डर किसी स्किल का यूज़ करता है जिससे एजेंट एक अजब से गोले के अंदर बंद जाता है। एजेंट अपनी जगह से हिल नहीं सकता। एजेंट कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप जो समझ रहे वैसा नहीं हुआ है, मैं कुछ भी चुरा नहीं रहा। तभी वो एल्डर एक फूल के हाथ लगाता है जो कि एजेंट की पावर की वजह से हवा में उड़ रहा था। एल्डर उस फूल को हाथ में लेके कहते हैं, 300 साल पहले मुझे ये फूल मिला था, इस फूल का नाम सिल्वर सिल्क फूल है, 3 दिन बाद में ये फूल खिलने वाला है। एजेंट कहता है, आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इसे जमीन में दबाने में। एल्डर कहता है, अपना मुंह बंद रखो और मेरे पीछे आओ। ये कहते हुए एल्डर वहां जाने लगता है। एजेंट कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे इसमें से बाहर तो निकालिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। वो एल्डर उस लाइब्रेरी के बाहर कहीं बैठा होता है एक पेड़ के नीचे। वो एजेंट से कहता है, एजेंट जल्दी आओ। एजेंट एल्डर के पीछे खड़ा होता है। एल्डर फिर से चलाता है, एजेंट जल्दी आओ मेरे पास आए खड़े हो जाओ। एजेंट वैसा ही करता है, वो एल्डर के पास आए खड़ा जाता है। तभी एल्डर एजेंट के कपड़ों में हाथ डालने लगता है और उसे कपड़े हटाने लगता है। ये देखकर एजेंट तुरंत पीछे हट जाता है और एल्डर से कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं, माना आप मेरी मदद करने वाले हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप मेरे साथ में कुछ भी करेंगे। ये सुनकर वो एल्डर जोर से हंसने लगता है और फिर एजेंट से कहता है, मेरे को जो करना है मैं तो वो करूंगा ही। जेकर एल्डर अपनी स्किल यूज करता है, उसके साथ करने से अपने आप ही एजेंट की बॉडी के ऊपर से कपड़े हटने लगते हैं। स्टार्टिंग में एजेंट की शर्ट उतरने लगती है। एजेंट कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं। तभी वो शर्ट हवा में उड़ने लगती है। एजेंट शर्ट को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। इसी समय एल्डर जाता है, वो उसे मिल जाता है। वो देखता है एजेंट की पीठ के ऊपर एक अजीब सा निशान बना हुआ है। इसी टाइम पे एजेंट उछल के उस शर्ट को पकड़ लेता है और उस शर्ट के साथ में हवा में उड़ने लगता है। वो एल्डर सोचता है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, उस ड्रॉइंग की वजह से इस लड़की की पीठ के ऊपर ये निशान बन गया है। ये सोचने के बाद में एल्डर अपने स्किल को बंद कर देते हैं। उसके साथ करते ही वो शर्ट वापस जमीन पर गिरने लगती है और एजेंट बहुत तेज जमीन पर गिरता है। फिर एजेंट सोचने लगता है, जी एल्डर कुछ ठीक नहीं है, मुझे इससे थोड़ा बच के रहना होगा। तभी एल्डर एजेंट से कहता है, नहीं तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है, मुझे तुम्हारे साथ में कुछ भी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर एजेंट सोचने लगता है, अब ये दिमाग भी पढ़ सकता है। एल्डर कहता है, हाँ पढ़ सकता हूँ, जल्दी से उठ जाओ मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सुनकर एजेंट उठ के बैठ जाता है। वो एल्डर कहता है, हॉल ऑफ एक्शन के अंदर तुमसे पूछा गया था कि तुम्हें आगे कौन सी स्किल सीखनी है, तुम्हें 4 स्किल के बारे में बताया गया था, तुमने किसी को भी सिलेक्ट क्यों नहीं किया। एजेंट कहता है, आप उसे स्किल कहते हैं, वो स्किल तो बिल्कुल बेकार थी, ड्राइंग बनाना, कल्टीवेशन चीजें बनाना, वेपन बनाना, ये भला किस तरह की स्किल है, मुझे बिल्कुल भी नहीं सीखनी, मेरा इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। एल्डर कहता है, तो फिर तुम क्या सीखना चाहते हो, तुम्हारा किस में इंटरेस्ट है। एजेंट कहता है, उस 5th स्किल में जिसका नाम फॉरबिडन 9 स्काई स्वॉर्ड था, मुझे पता है उसके अंदर रिसोर्स की जरूरत है जिनका इंतजाम मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सीखनी तो वही है क्योंकि वही सबसे ताकतवर है, बाकी सारी स्किल्स बिल्कुल बेकार है, मुझे सबसे ताकतवर स्किल सीखनी है। ये कहते हुए एजेंट सोचने लगता है, इस दुनिया में ताकतवर लोगों का ही राज होता है, ताकतवर बनने के बाद में मैं अपना बदला ले पाऊंगा, मैं अभी भी मेरे गांव में उस तबाही को भूला नहीं हूं, मुझे उससे बदला लेना है। एजेंट का जवाब सुनकर एल्डर कहता है, ये बात सच है, फॉरबिडन 9th स्वॉर्ड स्किल इस टाइम पे हमारे सेट से ताकतवर स्किल है, लेकिन वो इस कॉन्टिनेंट से ताकतवर स्किल नहीं है, इस जैसी 3 स्किल और है जो कि इससे ज्यादा ताकतवर है, यानी कि तुम फॉरबिडन 9 स्काई स्वॉर्ड स्किल सीखने के बाद भी सबसे ताकतवर नहीं बन पाओगे। एजेंट कहता है, तो फिर ठीक है, सबसे पहले मैं फॉरबिडन 9 स्काई स्वॉर्ड सीखूंगा, उसके बाद मैं दूसरी स्किल सीखूंगा जो कि इससे ज्यादा ताकतवर है, हर हाल में ताकतवर तो मुझे बनना ही है। एल्डर कहता है, सेक्ट के कुछ सीक्रेट होते हैं, वो तुम्हें नहीं बताएंगे। एजेंट कहता है, कोई बात नहीं मत बताने दो, मैं उन्हें चुरा लूंगा। ये कहते हुए एजेंट जाने लगता है। एल्डर कहता है, क्या तुम इतने पावरफुल हो कि उन्हें चुरा पाओ। सुनते एजेंट रुक जाता है और फिर एल्डर से कहता है, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। एल्डर कहता है, क्या तुमने ये शब्द सुना है फाइटर। एजेंट कहता है, फाइटर ये क्या होता है। एल्डर कहता है, ये बात तो तुम्हें पता ही होगी, कोई भी कल्टीवेटर किसी भी एक स्पेशल टाइप की कल्टीवेशन में अपनी पूरी काबिलियत साबित करता है, वो जिस चीज़ में काबिल होता है वो उसी चीज़ को और ज़्यादा निखारने की कोशिश करता है। जैसे कि कुछ कल्टीवेटर रिफाइनिंग बच्चे होते हैं तो रिफाइनर्स बन जाते हैं, तो कुछ वेपन बनाने बच्चे होते हैं तो उनको वेपन स्मिथ की पोस्ट दे दी जाती है। ऐसे ही हर किसी के अलग अलग नेम होते हैं और ये केवल सेक्ट के अंदर नहीं है, सेक्ट के बाहर भी लोग अलग अलग तरीके से सीखते हैं।
कुछ लोग अपने कल्टीवेशन का यूज करके मोस्टर्स को जानवरों को ट्रेन करते हैं और उन फिर उनको बेचते हैं। यानी कि नॉर्मल शब्दों में कहें तो कल्टीवेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। एजिन कहता है, आप कहना चाहते हैं ये सब तो मुझे पहले से पता है। एल्डर कहता है, फाइटर भी इन सभी टाइप्स में से एक है। फाइटर्स ना तो वेपन्स को बनाते हैं, ना ही किसी जानवर को ट्रेन करते हैं और ना ही किसी तरह की ट्रेडिंग करते हैं। उनका केवल एक ही गोल होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर बनना। वो अपना पूरा ध्यान खुद को ताकतवर बनाने में खर्च करते हैं, अपनी हर फाइटिंग स्किल को ज्यादा ज्यादा सुधारने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं वो इस दुनिया के सबसे ताकतवर कल्टीवेटर बन पाएंगे। ये सुनकर एजिन बहुत खुश होता है। एजिन कहता है, हाँ मुझे यही बनना है, फाइटर काफी अच्छा लग रहा है, मैं भी फाइटर बनना चाहता हूँ। एल्डर कहता है, नहीं फाइटर बनना इतना आसान नहीं है, ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, ये बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, इनके पास में रिसोर्स बनाने का कोई भी तरीका नहीं होता और ना ही ये उन्हें कभी बना सकते हैं। अधिकतर फाइटर अपने फाइटिंग कल्टीवेशन को पूरा करने से पहले ही इसे छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास में कुछ भी नहीं बचता है। अधिकतर फाइटर्स की तो भूखी मंडी की नौबत आ जाती है। इसलिए केवल दो प्रकार के लोग होते हैं जो फाइटर बनना चुनते हैं। नंबर एक, वो लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उनको पैसे की कोई चिंता नहीं है, उनको रिसोर्सेज की कोई चिंता नहीं है, उनको केवल ज्यादा ज्यादा खुद को पावरफुल बनाना है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो लोग बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, उनको इन रिसोर्सेज को बनाने में, वेपन्स को बनाने में बहुत ज्यादा जोर आता है, इसलिए वो आसान रास्ता चुनते हैं और एक फाइटर बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग कभी फाइटर बन नहीं पाते, वो केवल एक नाम के फाइटर बन के ही रह जाते हैं। एजिन कहता है, यानी कि इसका मतलब या तो फाइटर बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं या फिर बिल्कुल बेकार। एल्डर कहता है, हाँ तुम ऐसा भी कह सकते हो। एजिन कहता है, ये बात सच है, ना तो मेरे पास में ज्यादा पैसे हैं और ना ही ज्यादा दिमाग है, ये सब कुछ बता के आपने फिर से मुझे कंफ्यूज कर दिया है। एल्डर कहता है, अभी इतनी जल्दी कंक्लूजन मत पूछो, मैंने तुम्हें फाइटर के बारे में बताया तो कुछ सोच के बताया होगा, तुम फाइटर बन सकते हो, मैंने तुम्हारे अंदर वो काबिलियत देखी है। एजिन कहता है, आपको ऐसा क्यों लगता है? एल्डर कहता है, क्योंकि तुमने उस ड्राइंग को काफी अच्छी तरह समझ लिया था जिसे कोई और नहीं समझ पाया, और तुम्हारे अंदर ट्रू पावर ऑफ समाधि है। मेरी नजर में तुम फाइटर बनने के लिए सबसे बेस्ट कल्टीवेटर हो। ये सुनकर एजिन कहता है, ट्रू पावर ऑफ समाधि ये क्या होता है? एल्डर कहता है, ट्रू पावर ऑफ समाधि ये एक स्पेशल टाइप की फायर होती है जिसे केवल गॉड कल्टीवेटर यूज कर सकते हैं, और वो भी तब जब वो जजमेंट फेस को पास कर जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप के पॉइजन होते हैं। नंबर 1 एंगर, 2 डिजायर एंड 3 इग्नोरेंस। आमतौर पर कल्टीवेटर इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन जब कल्टीवेटर इसे कंट्रोल करना सीख जाते हैं तब वो इन्हें एक वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। इस पावर से हुए अटैक से जिस पर आपने अटैक किया है उसकी बॉडी पर फिजिकल अटैक नहीं होता, यानी कि फिजिकल रूप से उसकी बॉडी पर किसी भी तरह की चोट नहीं लगती, लेकिन मेंटली वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। और इस पावर की सबसे खास बात यह है कि इस पावर से किसी भी तरह से आप डिफेंड नहीं कर सकते। ये सुनकर एजेंट थोड़ा खुश हो जाता है और फिर अपने टैटू को उस एल्डर को दिखाते हुए कहता है, यानी कि इसका मतलब मैंने इस स्किल को सीख लिया है, यानी कि मैं जजमेंट फेस पे पहुंच चुका हूँ। एल्डर कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम अभी जजमेंट फेस के आसपास भी नहीं हो, और तुमने अभी तक केवल एंगर पॉइजन को ही कंट्रोल किया है, वो भी केवल थोड़ा सा, अभी बाकी तो पॉइजन बाकी है, डिजायर और इग्नोरेंस, लेकिन तुम यहाँ तक भी काफी जल्दी पहुंच गए हो। एजेंट कहता है, क्या ये उस डिस्क्रिप्शन ड्राइंग के कारण हुआ है? उस ड्राइंग का एक मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्या ये उसकी वजह से हुआ है? एल्डर कहता है, हाँ उसकी वजह से ही है, उस ड्राइंग के अंदर एक गोल्ड लेवल कल्टीवेटर का गुस्सा कैद था। जब तुमने उस ड्राइंग के एंगर को कंट्रोल किया तब तुमने खुद की बॉडी के एंगर को भी कंट्रोल करना सीख लिया। ये सुनकर एजेंट सोचने लगता है, यानी कि इसका मतलब मेरा डबल फायदा हो गया है, और शायद इसी वजह से उस ड्राइंग को समझने के बाद में मेरी कल्टीवेशन पावर थोड़ी सी बढ़ गई थी। एल्डर कहता है, ये तुम्हारे लिए एक अवसर की तरह हो सकता है तुम जजमेंट फेस पे पहुंचने से पहले ही इस फायर और समाधि को अच्छे से कंट्रोल कर पाओ, उसके बाद में जजमेंट फेस पहुंचने के बाद में तुम एक अलग ही लेवल पे पहुंच पाओगे, और साथ ही ये फायर तुम्हारे इस रास्ते में भी काम आएगी, एक नॉर्मल कल्टीवेटर से एक फाइटर बनने के रास्ते में, और इससे तुम्हारी फिजिकल बॉडी के अंदर ही बहुत सुधार आएगा। एजेंट कहता है, फिजिकल बॉडी के अंदर? कैसा सच में हो रहा है? ये कहते हुए एजेंट अपने हाथों को देखने लगता है जो कि बिल्कुल पतले से हैं, उन हाथों में बिल्कुल फर्क दिखाई नहीं दे रहा। एल्डर कहता है, ये अभी इतनी जल्दी असर नहीं करेगा, जिस तरह से आग का यूज करके स्टील मजबूत होता है उसी तरह से फायर ऑफ एंगर का यूज करके तुम अपनी बॉडी को मजबूत कर सकते हो। तुम अपनी इस कमजोर की बॉडी से साथ में फाइटर्स के बीच में कम्पीट नहीं कर पाओगे। फाइटर्स बहुत ताकतवर होते हैं, वो अपनी बॉडी के ऊपर अलग अलग तरह के प्रयोग करते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके खुद को ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। वो खुद को ताकतवर बनाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज करते हैं और अलग अलग रिसोर्सेज का भी। एक फाइटर की पावर को तुम इतना समझ सकते हो, एक वीरपाटोसो फेस का फाइटर बड़ी आसानी से इमोर्टेलिटी फेस के फाइटर को हरा सकता है। बस फर्क कितना सा है, एक फाइटर अपने कल्टीवेशन के लिए नॉर्मल कल्टीवेटर से 3-4 गुना ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करता है। ये सुनकर एजेंट कहता है, तब तो फाइटर बनना बिल्कुल बेकार है। आप कह रहे हैं इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम रिसोर्सेज का यूज करेंगे और फाइटर बनने की कोशिश करेंगे उतने टाइम में और उससे भी कम रिसोर्स का यूज करके इमोर्टल फेस के कल्टीवेटर बन सकते हैं।
जिसमें को एल्डर एजेंट के सर पे मारता है और एजेंट से कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फाइटर बिल्कुल भी बेकार नहीं है। मैंने तुमसे कहा फाइटर ज्यादा रिसोर्स का यूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हीं रिसोर्स का यूज करके एक मोटर कल्टीवेटर बन जाओगे। और एक फाइटर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, हर सेट के अंदर फाइटर रखे जाते हैं ताकि वो उस जगह को प्रोटेक्ट कर सके। अगर उस जगह पर फाइटर ना हो तो उस जगह खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझे मेरी बात? एजेंट कहता है हाँ समझ गया, लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, अगर मैं फाइटर बनने की कोशिश करूंगा भी तो भी सेट मुझे किसी भी तरह की सीक्रेट टेक्निक को नहीं सिखाएगा। एल्डर कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, वो तुम्हें नहीं सिखाएंगे, लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं है। तुम्हारे पास में एंगर ऑफ फायर है, तुम उसका यूज करके भी अपना फिजिक बना सकते हो और खुद से ही नॉर्मल कल्टीवेटर से और बाकी फाइटर से आगे निकल सकते हो। और एक और बात, ऐसा नहीं है कि केवल रिसोर्सेज का यूज करके तुम एक फाइटर बन जाओगे। एक नॉर्मल फाइटर से लेकर फिर पटासो फेस के फाइटर बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जिसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेंटली ट्रेंड होना होगा। एजेंट कहता है मुझे तो इसकी कोई भी चिंता नहीं है, अगर आप मेरे मास्टर बनेंगे तो ये सब कुछ हो जाएगा। एल्डर कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा, मैंने तुमसे एक बार भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा मास्टर बनने वाला हूँ। एजेंट कहता है आप ऐसे कैसे सीख सकते हैं, आपने मुझे फाइटर बनने के लिए कहा, आपने मुझे हर रिसोर्स के बारे में बताया और आप ही के भरोसे पर मैंने फाइटर बनना सिलेक्ट किया है, अब तो आप ही को मेरा मास्टर बनना होगा, आप ही मुझे सब कुछ सिखाएंगे। एल्डर कहता है चलो ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद इसलिए करूंगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ एक कल्टीवेटर जिसने उस ड्राइंग को समझाओ अगर वो फाइटर बने तो कैसा फाइटर बनेगा, और साथ मेरी एक शर्त भी होगी, मैं तो केवल तुम्हें रिसोर्स के बारे में बताऊंगा कि तुम्हें किस किस रिसोर्स की जरूरत है, उसे लाना तुम्हें खुद ही होगा और वो तुम कैसे लेके आओगे ये भी तुम पर निर्भर करता है, इसमें मैं तुम्हारी किसी भी तरह से मदद नहीं करूंगा। एजेंट कहता है ठीक है। एल्डर कहता है तुम फाइटर बनना चाहते हो और तुम चाहते हो मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊं, क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो? एजेंट कहता है हाँ। एल्डर कहता है एक बार फिर से सोच लो, मैं जिस तरह से तुम्हें सिखाऊंगा वो नॉर्मल कल्टीवेशन से 100 गुना ज्यादा हार्ड होगा, क्या तुम वो कर पाओगे? एजेंट कहता है हाँ मैं कर पाऊंगा। एल्डर कहता है अब ये बिल्कुल आखिरी है, मैं जिस तरह से तुम्हें सिखाऊंगा वो नॉर्मल कल्टीवेशन से 100 गुना ज्यादा डेंजरस भी होगा, हो सकता है तुम्हें बाद में रिग्रेट हो, इसलिए अच्छे सोच लो। एजेंट कहता है नहीं मुझे नहीं सोचना है, मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करूंगा, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। एल्डर कहता है तो फिर ठीक है डिसाइड हो गया, अब से मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं कि वो एल्डर एजेंट को सब कुछ सिखा रहा है। वो एल्डर एजेंट से कहता है अगर तुम्हें फायर ऑफ एंगर को कंट्रोल करना सीखना है तो तुम्हें सबसे पहले अपनी बॉडी की फायर को अंदर ही कंट्रोल करने देखना होगा, तुम्हें कोशिश करनी होगी अपनी बॉडी की हीट को अपनी बॉडी के अंदर ही रख सको। एजेंट करने की कोशिश करता है और एजेंट कुछ ही दिनों में इसे करने में कामयाब भी हो जाता है। जब एजेंट ये कर रहा होता है एल्डर एजेंट देखता है एजेंट की बॉडी से बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है। एल्डर उसे देख कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम इसे इतनी जल्दी कर लोगे, तुम एंगर कंट्रोल के फर्स्ट स्टेप पे पहुंच चुके हो, अब बारी है सेकंड स्टेप की। मैंने सेट के कई सारे स्क्रोल्स को पढ़ा है लेकिन मुझे कोई भी तरीका समझ में नहीं आ रहा जिससे तुम फायर ऑफ समाधि को कंट्रोल कर सको, इसलिए अब एक ही रास्ता है, तुम्हें पहले फायर ऑफ फोर्ज क्यू को सीखना होगा। एजेंट कहता है अब आप मुझे फोर्जिंग का काम सिखाएंगे, क्या हम इसे काम को किसी से करा नहीं सकते किसी और लोहार से? ये सुनकर एल्डर एजेंट के पास आता है और उसे सर पे जोर से मारता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोर्जन क्यू को किसी लोहारे काम से कंपेयर करने की? फायर ऑफ समाधि को कंट्रोल करने के लिए ये फोर्जिंग स्किल जरूरी है, अभी तुम्हारी फिजिक के अंदर किसी भी तरह का सुधार नहीं आ रहा है, इस स्किल को सीखने के बाद में शायद तुम्हारी फिजिक के अंदर भी सुधार आ जाए। एजेंट कहता है सबसे पहले तो आप मुझे मारना बंद कीजिए और दूसरी बात आप मुझे एक फाइटर बनाने वाले हैं, एक ब्लैक स्मिथ की स्किल मेरे किस काम आ सकती है? एल्डर कहता है तुम्हें नहीं पता है लेकिन मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, मेरे साथ में चलो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये कहते हुए एल्डर एक अजीब तार निकालता है जो कि रेड कलर की होती है, वो उसे एजेंट की तरफ फेंकता है, वो तार सीधे जाके एजेंट को अपने अंदर जकड़ लेता है। एजेंट कहता है ये आप क्या कर रहे हो? एल्डर एजेंट की बात नहीं सुनता, एल्डर उठते हुए जाने लगता है, एजेंट भी पीछे पीछे उस रस्सी की वजह से एल्डर के पीछे पीछे जा रहा है, एजेंट लगातार हवा में इधर उधर झूल रहा है। एजेंट एल्डर से कहता है एल्डर प्लीज रुक जाइए आप मुझे जमीन पर उतारिए। एल्डर कहता है चुप रहो। एजेंट कहता है क्या आप मेरी बात ही सुन रहे, प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए। एजेंट थोड़ी थोड़ी देर में ये सब चिल्लाता रहता है और ऐसे उड़ते हुए वो एल्डर एजेंट को किस ठंडे से इलाके में लेके जाता है जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। तभी एजेंट फिर से चिल्लाता है एल्डर प्लीज मुझे उतार दीजिए। एल्डर कहता है अब तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है। ये कहते हुए एल्डर एजेंट को फ्री कर देते हैं। एजेंट कहता है आखिरकार अब तो आपने मुझे छोड़ा। तभी एजेंट नीचे की तरफ देखता है, नीचे बर्फ ही बर्फ है और वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है। एजेंट नीचे गिरने लगता है, एजेंट फिर जोर से चिल्लाता है प्लीज मुझे पकड़ लिए मुझे गिरने मत दीजिए, लेकिन एल्डर कुछ भी नहीं करता। एजेंट पूरी तरह से नीचे तक जा रहा है, थोड़ा पास पहुंचने पता पड़ता है नीचे एक नदी है जिसके ऊपर बर्फ जम गई है। एजेंट उस बर्फ के ऊपर गिरता है और बर्फ को तोड़ते हुए सीधे उस नदी में चल जाता है। फिर वो एल्डर भी नीचे उतरता है और एजेंट से कहता है एजेंट इस जगह के ऊपर हर समय ठंड रहती है इसलिए इसे क्लियर स्प्रिंग कहते हैं, ट्रू फायर समाधि के लिए सबसे अच्छी जगह यही है, तो अब तुम यहीं पे कल्टीवेट करोगे। ये सुनकर एजेंट उसने लगता है ये तो ऐसा कहेगा ही क्योंकि मैं पानी के अंदर हूँ और वो पानी के बाहर है, लगता है मुझे ही इनको इस पानी का स्वाद चखाना होगा।
ये कहते हुए जिन तिरते हुए उस एल्डर की तरफ जाने लगता है। जैसे एजेंट उस एल्डर के पास पूछता है वो एल्डर के स्किल को उसको देता है। उस स्किल देखने पर एजेंट को एक और सहायता देने लगती है, फॉरबिडन फॉर्जिंग स्किल हाई टीयर। ये सुनकर एजेंट सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, फॉर्जिंग स्किल तो एक नॉर्मल सी स्किल है, इस स्किल को ये हाई टीयर पर कैसे यूज कर पा रहे हैं। यानी कि इसका मतलब साफ है, मैं जो समझ रहा था ये वो नहीं है, पहले मैंने समझा था ये एक नॉर्मल से एल्डर है लेकिन ऐसा नहीं है, ये कोई स्पेशल है। और यहाँ से सीन वापस शिफ्ट हो जाता है, एजेंट उसी ठंडी जगह पर कहीं बैठा हुआ है। एजेंट अभी भी उस एल्डर के बारे में सोच रहा है कि वो एल्डर उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है जबकि उस एल्डर का लेवल इतना ज्यादा हाई है। एक हाई लेवल का एल्डर उसकी इतनी हेल्प क्यों कर सकता है, वो उसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट क्यों करेगा। इसी समय वो एल्डर वहां पर जाता है और एजेंट से कहता है अच्छे से कल्टिवेट करो, फॉर्जिंग की स्किल का यूज करो, स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर बनने दो। इसी समय एजेंट आगे सोचता है लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, मेरे पास में उस बुक की पावर है, अगर ये कभी भी मेरे साथ में कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो उससे पहले मुझे पता चल जाएगा। वो बुक की आवाज मुझे सब कुछ बता देगी कि ये कौन से स्किल को यूज करने वाला है। फिर एजेंट अपना पूरा ध्यान कल्टीवेट पर लगाने लगता है। कल्टीवेट करते हुए रात हो जाती है, एल्डर पूरे समय एजेंट के पास ही रहता है, वो अलग अलग तरह से घूमते हुए एजेंट के ऊपर नजर रखे हुए है। तभी वो कहता है ओह नो, हम देखते हैं एजेंट की बॉडी के अंदर एक अजीब सी डार्क कलर की लाइन दिखाई दे रही है और साथ में एजेंट जो चिल्ला रहा है उसके बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। एल्डर एजेंट से कहते हैं एजेंट शांत हो जाओ, अपने थॉट्स को क्लियर रखो, अपनी बॉडी के ऊपर फिर से कंट्रोल बनाने की कोशिश करो। एल्डर ही लगातार कह रहा है लेकिन इस सबका एजेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। धीरे धीरे एजेंट की बात और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। ये देखकर एल्डर कहता है अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे अपनी स्किल का यूज करना होगा। ये कहते हुए एल्डर अपनी स्किल का यूज कर देता है जिससे एजेंट के आसपास में एक बैरियर बन जाता है। जैसे ही एजेंट के पास में वो बैरियर बनता है एजेंट पूरी तरह से बेकअप हो जाता है। एजेंट एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ भागता है लेकिन उस बैरियर के कारण वो एल्डर के पास में पहुंच नहीं पाता। तभी एल्डर फिर से एजेंट के पास में आता है और एजेंट कहता है एजेंट शांत होने की कोशिश करो, फॉर्जिंग स्किल के बारे में सोचो, तुम खुद पे काबू पा सकते हो, समझने की कोशिश करो फॉर्जिंग का क्या मीन्स होता है और बार बार अपने मन में दोहराओ फॉर्जिंग का क्या मीन है। एल्डर की बात सुनकर धीरे धीरे एजेंट के माइंड पर एजेंट कंट्रोल आने लगता है। एजेंट कहता है मुझे पता है फॉर्जिंग का क्या मीन है, फॉर्जिंग का मतलब होता है अपनी बॉडी की इम्प्योरिटीज को बाहर निकालना और फिर उनको प्योर करना। जैसे ही एजेंट लैंड कहता है एजेंट अपनी बॉडी में फिर से काबू हो जाता है लेकिन एजेंट बेहोश जाता है। एजेंट के बेहोश जाने के बाद में एल्डर बैरियर को रेजिन के आसपास से हटा देता है, फिर वो एजेंट के पास में आता है और वहीं पे बैठ जाता है। फिर कुछ घंटे बाद में एजेंट घोष आता है, एजेंट खांसते हुए उठता है और कहता है ओ नो, मैं फिर से फेल हो गया। एल्डर एजेंट से कहता है तुम्हारे अंदर अभी भी खुद को कोसने की पावर है, बहुत स्ट्रेंथ है तुम में, और रही बात तुम्हारे फेलियर की तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम अभी तक पूरी तरह से फेल नहीं हुए हो। ये सुनकर एजेंट बहुत खुश होता है और कहता है यानी किसका मतलब मैं सक्सेस कर चुका हूँ, मेरे को स्किल आ गई है। इसी समय वो एल्डर एजेंट के मुंह में एक स्पेल बटन घुसा देता है और फिर एजेंट से कहता है नहीं अभी तक तुम स्किल को पूरी तरह से नहीं सीखे हो लेकिन तुम काफी हद तक पहुंच चुके हो, इतने कम टाइम में इतना आगे तक पहुंच जाना काफी एक सक्सेसफुल माना जाएगा। एजेंट उस बोतल को अपने मुंह से निकालते हुए कहता है आप मजाक कर रहे हैं ना। एल्डर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं अभी मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ बहुत फनी है। एजेंट कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है आप बहुत सीरियस है, मैं आपकी हर बात को मानूंगा, आप कह रहे हैं तो सही होगा। एल्डर कहता है तो फिर ठीक है, अब तो मुझे थोड़ा ठीक लग रहे हो, आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। ये कहते हुए एल्डर पीछे की तरफ घूम जाता है और एजेंट को थोड़ा धक्का दे देता है। ये धक्का पड़ते ही एजेंट अपना बैलेंस खो देता है और सीधे उस नदी के अंदर गिर जाता है। फिर एजेंट एल्डर से कहता है ये तुम ठीक नहीं कर रहे, आप अपनी पावर गलत यूज कर रहे हो। यहाँ से सीन वापस शिफ्ट हो जाता है, हमें फिर से कई घंटों वापस दिखाते हैं। एजेंट कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है, इस बार कल्टीवेशन काफी अलग है, एजेंट ने 6 बार कल्टीवेट करने की कोशिश की है लेकिन 6 बार उसका कल्टीवेशन बेकार हुआ है। इस बार एजेंट को पानी के अंदर अपनी फॉर्जिंग स्किल यूज करना है लेकिन हर बार एजेंट के अंदर फेल हो रहा है। एजेंट कहता है मैं हर बार फेल हो रहा हूँ, एल्डर शायद आपकी वजह से हो रहा है, प्लीज थोड़ी देर के लिए आप यहाँ चले जाइए, मैं अकेले में करूंगा तो शायद ज्यादा अच्छे तरह से कर पाऊंगा। एल्डर कहता है ठीक है इसे तुम्हारी तरह से करके देखते हैं, मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं जल्दी वापस लौटाऊंगा। ये कहते हैं एल्डर चला जाता है और एजेंट वापस से कल्टीवेट करने बैठ जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद में जब एल्डर वापस आता है वो देखता है वहाँ का पानी जिस नदी के अंदर एजेंट बैठा हुआ था उस नदी का पानी उबल रहा है और एजेंट की बॉडी में से रेड कलर का ओरा बाहर निकल रहा है। तभी एजेंट जोर से चिल्लाता है गो एंड बर्न, एजेंट कितना कहते हैं उस ओरे का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एल्डर चिल्लाए कहता है शायद कुछ गलत होने वाला है लेकिन नहीं ऐसा नहीं था। एजेंट जैसे गो एंड बर्न चिल्लाता है एजेंट की बॉडी में से बहुत तेज हीट निकलती है और वहां का सारा पानी भाप बन के उड़ने लगता है और सारी भाप देखने में ऐसे लगती है जैसे वो एक ड्रैगन का रूप ले लेती है। उस अजीब से ड्रैगन को देखकर वो एल्डर कहता है इस लड़के ने कर दिखाया, ये लड़का अपने 7th अटेम्प्ट में सक्सेस पा चुका है। फिर एल्डर एजेंट से कहता है एजेंट तुमने कर दिखाया। एजेंट कहता है मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरी बॉडी बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं एक ही मुक्के से एक पूरे पहाड़ को तोड़ सकता हूँ। एल्डर कहता है ऐसा ही होता है, तुम्हारी बॉडी के मसल्स एक्टिवेट हो चुके हैं, अब तुम्हारी फिजिक भी थोड़ा सुधर जाएगा, अब इस टाइम पे तुम एक नॉर्मल कल्टीवेटर की तुलना में फिजिकली बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हो और साथ ही
तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी कैपेसिटी भी नॉर्मल कल्टिवेटर की तुलना में 3 गुना बढ़ चुकी है। और यहाँ पर नॉर्मल कल्टिवेटर मैं तुम्हें खुद को मान रहा हूँ, यानी तुम्हारी जितनी कैपेसिटी थी उससे अब 3 गुना ज़्यादा हो चुकी है। तभी एजेंट दिखता है उसके 6-pack एब्स आ गए हैं। एजेंट यही कहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं कल्टिवेशन के 5th level पहुंच चुका हूं। पहले मैं केवल 4th level पे था। सच में ये फायर और समाधि काफ़ी अच्छी स्किल है। फिर एजेंट एल्डर की तरफ देखता है। एल्डर के हाथ में एक बोतल होती है। एजेंट उस बोतल को एल्डर के हाथ में से ले लेता है और फिर एजेंट से कहता है, इस बार आप मेरे लिए क्या लेके आए हैं? हमें यहाँ पर आए काफ़ी दिन हो गए, इन काफ़ी दिनों में आपने मुझे काफ़ी सारी स्पिरिचुअल की रिसोर्सेज ला के दिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। बताइए आज आप क्या लाए? एल्डर कहता है, कुछ भी नहीं, तुमने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया है। मेरे पास जितने भी डिविन एलिक्सिर थे, हर्ब्स थे जो कि मैंने 300 सालों में इकट्ठा किए थे, वो सब के सब तुम खा चुके हो। एजेंट हंसते हुए कहता है, अब मैं आपका एक काम कर देता हूँ, मैं इस बोतल को खुद से फेंक देता हूँ। अब आप मुझे थैंक यू मत कहना कि मैंने आपका एक काम कर दिया। एल्डर कहता है, चल छोड़ जाने दो ये सब बातें, मैंने तुम्हें जो भी रिसोर्सेज दिए थे उन सभी की मदद से तुम कल्टिवेट कर पाए हो। मैं जो भी तुम्हें स्किल्स कहना चाहता था वो स्किल तुम सीख चुके हो। इससे उन रिसोर्सेज की कीमत वसूल हो गई है, वो बिल्कुल वेस्ट नहीं हुए हैं। मेरी एक बात याद रखना, इस ट्रू पावर समाधि को अच्छी तरह से यूज करना, इसकी वजह से तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर हो जाएगी और साथ ही तुम्हें जो स्किल आती है तुम उसको और अच्छी तरह से यूज़ कर पाओगे। एजेंट कहता है, तो भी ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मैं अब सेट के अंदर जाकर ही आगे की ट्रेनिंग करूँगा और आपकी हर बात को याद रखूँगा। एल्डर कहता है, तुम्हें जाने के लिए किसने कहा? हम सेट नहीं जा रहे। एजेंट कहता है, क्या क्या कहा आपने? एल्डर कहता है, हाँ हम सेट नहीं जा रहे हैं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये कहते हुए एल्डर अपनी स्किल यूज करते हैं जिससे उनके सामने एक छोटा सा बादल बन जाता है। फिर अगले सीन में एल्डर और एजेंट उस बादल में बैठ के कहीं उड़ते हुए जाने लगते हैं। एजेंट एल्डर से कहता है, आप मुझे कहाँ पे ले जा रहे हैं और हम सेट क्यों नहीं जा सकते? एल्डर कहता है, अभी तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म नहीं जाती तब तक तुम यहाँ जा नहीं सकते। एक फाइटर बनने के लिए ये सब कुछ बहुत जरूरी है। एजेंट कहता है, क्या मुझे एक बात बता सकते हैं, कल्टिवेटिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है? एल्डर कहता है, कल्टिवेटिंग वो था जो तुम अब तक कर रहे थे। कल्टिवेट की मदद से तुम अपनी फिजिकल बॉडी को ठीक कर सकते हो, लेकिन फाइटिंग स्किल्स को तो तुम ट्रेनिंग करके ही सीखना होगा। बिना ट्रेनिंग के तुम एक अच्छे फाइटर नहीं बन सकते। एजेंट कहता है, मैं समझ गया, यानी कि अब आप मुझे फाइटिंग स्किल्स सिखाने वाले हैं। एल्डर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही शानदार टेक्निक सिखाऊंगा, सबसे ताकतवर टेक्निक, वो भी सबसे कम टाइम में। एजेंट कहता है, क्या आप मुझे टेक्निक का नाम बता सकते हैं? एल्डर कहता है, वाह नीचे देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। ये सुनकर एजेंट उस बादल के पास नीचे देखने लगता है। उसे नीचे एक नदी दिखाई देती है। एजेंट उस नदी को देख कहता है, इसमें क्या खास है, ये तो केवल एक नॉर्मल सी नदी है। एल्डर कहता है, तुम्हें एक नॉर्मल नदी लग रही है, थोड़ा पास से देखो तुम्हें थोड़ा सही से दिखाई देगा। ये कहते हुए एल्डर एजेंट के पीछे एक जोरदार लात मारता है। ये लात पड़ते ही एजेंट सीधे उस नदी के अंदर गिरने लगता है। एजेंट नीचे गिरते हुए चिल्लाता है, बुड्ढे ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, आपने फिर से मुझे नीचे गिरा दिया। एल्डर कहता है, तुमने मुझे बुड्ढा कहा? इसी समय एजेंट उस तालाब के अंदर गिर जाता है और फिर उस एल्डर से कहता है, तो आपने मुझे नीचे क्यों गिराया? एल्डर कहता है, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था फैटी टेक्निक के अंदर बहुत सारे रिसोर्स की जरूरत होती है, तो वो रिसोर्सेज तुम्हें यहीं से मिलेंगे। इस नदी के अंदर एक बीस्ट है, यहाँ से जो भी नाव गुजरती है वो बीस्ट उस नाव के अंदर बैठे हुए लोगों को खा जाता है, उस नाव को भी डुबा देता है। तुम्हें उस बीस्ट को मारना है, उस बीस्ट को मारने के रिसोर्सेज मिलेंगे जो कि तुम्हारे फाइटिंग ट्रेनिंग में काम आएंगे और साथ ही इससे तुम कुछ फाइटिंग स्किल्स भी सीख जाओगे। ये सुनकर एजेंट चिल्लाए कहता है, ये आपका ट्रेनिंग का तरीका है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। शायद आप भूल रहे हैं, अभी तो मैं कल्टिवेशन के 5th level भी नहीं पहुंचा हूं, मैं केवल 4th level पर ही हूँ। इस नदी में रहने वाला बीस्ट बड़ी आसानी से मुझे मार देगा और खा जाएगा। एल्डर कहता है, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, उस बीस्ट से फाइट करना करने के तुम्हें बहुत सारे एक्सक्यूज मिल जाएंगे, उनमें से एक को भी मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बीस्ट से फाइट करने का मौका दिया है, उस बीस्ट से फाइट करो, अगर तुम उससे फाइट नहीं कर पाते हो तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हारे अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है। ये कहते हुए एल्डर एजेंट की तरफ अपना हाथ आगे करता है और फिर अपने हाथ के अंदर से एक तिलिस्मन को बाहर निकालता है और फिर एजेंट से कहता है, लो इस तिलिस्मन को तुम अपने पास में रखो, जब भी तुम्हें लगे तुम्हारी जान खतरे में और तुम उस बीच को नहीं मार सकते तो इस तिलिस्मन का यूज कर लेना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। एल्डर ये कह रहा होता है और वो तिलिस्मन उड़ते उड़ते एजेंट की तरफ जाने लगता है। एजेंट अपने हाथ दोनों हाथ ऊपर की तरफ करके उस तिलिस्मन को पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो तिलिस्मन एजेंट के हाथों के पास पहुंचता है, एल्डर आगे कहता है, अगर तुम इस तिलिस्मन का यूज करते हो तो इसका मतलब समझ लेना कि आज की बात से मैं तुम्हें ट्रेन नहीं करूंगा, उसके बाद से तुम मेरा पीछा मत करना और यहाँ सीधे सेट लौट जाना, वहाँ पे तुम एक इनर डिस्पेल तो हुई वहीं से अपनी ट्रेनिंग जारी रखना, मैं तुम्हें ट्रेन नहीं करूंगा। जैसे एजेंट ये लाइन सुनता है एजेंट तुरंत अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और सीधे उस नदी के अंदर चला जाता है गहराई के अंदर। एजेंट उस तिलिस्मन को भी नहीं पकड़ता। ये देखकर एल्डर कहता है, अरे इस तिलिस्मन को तो अपने साथ में ले जाता, हो सकता है इसकी जरूरत पड़ जाए, यूज़ नहीं करना तो मत करना। लेकिन जब तक एल्डर ये कहता है एजेंट काफ़ी ज़्यादा गहराई में पहुंच चुका होता है। एजेंट उस नदी के अंदर इधर उधर देखने लगता है और सोचता है वो बीस्ट मुझे काम में मिल सकता है। ये कहते हुए एजेंट अपने चक्कू को बाहर निकाल लेता है।
उसी समय एजिन को वो बीच दिखाई देता है। एजिन को उस बूस्ट की दो बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती है जो कि अंधेरे में चमक रही है। जैसे वो बीच एजिन के पास में आता है, एजिन को पता पड़ता है वो एक बड़ा सा स्नेक है। फिर एजिन और स्नेक बीच के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट होती है। नदी का रंग पूरी तरह से लाल हो जाता है, चारों तरफ खून खून दिखाई दे रहा है। एल्डर बिल्कुल भी इस फाइट के तो नहीं पड़ता, वो बस ऊपर से उन दोनों की फाइट को देखता रहता है। और यहाँ से एक बहुत बड़ा सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 साल बाद का सीन दिखाते हैं। एजिन उस नदी के बाहर है। एजिन एल्डर से कहता है, बूढ़े एल्डर अब बताओ अब क्या करनी है, अब किससे फाइट करनी है। एल्डर कहता है, शायद तुम्हें फाइटिंग के अंदर मजे आने लगे हैं। एजिन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, पिछले 3 साल से तुम मुझसे लगातार फाइट करवा रहे हो। तुमने मेरे हाथों समुद्र के कितने सारे बीस बना दिए, और न केवल समुद्र के, पहाड़ों के ऊपर, जंगलों के अंदर, हर जगह से तुमने मुझसे बीस बनाने के लिए कहा। और मैंने ऐसा किया भी, मैंने कई सारे बीस को मार दिया है। और न केवल मैंने उन बीस को मारा, मेरे को कई बार उन बीस से डर के भागने पड़ा, क्योंकि तुमने मुझसे एक बार ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए कहा था, और तुमने जो बताया भी नहीं, उन ज़ॉम्बी की संख्या वहाँ पर हजारों में है। एल्डर कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुमने काफी सारे बीस मारे हैं, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल बेकार नहीं हुआ है। जब ये ट्रेनिंग शुरू हुई थी तब तुम केवल कल्टीवेशन के 4th लेवल पे थे, लेकिन अब तुम कल्टीवेशन के 7th लेवल पर हो। तुम्हें समझना चाहिए तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हारा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ है, ये इन्वेस्ट हुआ है। एजिन कहता है, मुझे पता है कि सारा टाइम इन्वेस्ट हुआ है, मेरे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, बल्कि इस ट्रेनिंग के अंदर मुझे मजा आ रहा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप मुझे छोड़ के चले जाते हैं, जब मैं बीच के अंदर फाइट कर रहा होता हूँ। जैसा कि आपने पिछली बार किया था जब आपने मुझे उन ज़ॉम्बी से छोड़ दिया था, उन ज़ॉम्बी से छोड़कर आप वहां से चले गए थे। आप नहीं जानते कितनी मुश्किल से मैं वहां से बचकर निकल जाता, अगर मैं फंस जाता तो ज़ॉम्बीज मेरा दिमाग खा जाते। एल्डर कहता है, ऐसा कभी भी नहीं था, मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। ये कहते हुए एल्डर एजिन की तरफ एक पेंडेंट फेंक देता है। एजिन उस पेंडेंट को कहता है, ये क्या है। एल्डर कहता है, इसको हमेशा संभाल के रखना, इसकी मदद से तुम कभी भी फैमिली बना सकते हो, लेकिन जब तक सही समय ना आए तब तक इसका यूज मत करना। ये सुनकर एजिन बहुत चौंक जाता है। एजिन कहता है, फैमिली बना सकते हो, इसका क्या मतलब होता है। एल्डर कहता है, ये एक स्पेशल तरह का पेंडेंट है, इसे तुम कल्टीवेशन के अंदर पार्टनर ढूंढ सकते हो। इस एक पेंडेंट से तुम्हें 9 लड़कियां मिल जाएगी, या फिर हो सकता है 10, अभी पूरी तरह से पक्का नहीं है। एजिन कहता है, 10 लड़कियां, क्या पागल हो गए हैं। एल्डर कहता है, इसे पागल जैसा क्या है, मुझे तो लगा था तुम्हें जो चीजें फ्री में मिलती है वो तुम्हें अच्छी लगती है। एजिन कहता है, मैं लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है मुझे इतनी सारी लड़कियों की जरूरत है। एल्डर कहता है, तुम मुझसे सवाल मत पूछो, तुम्हें समय आने पर सब कुछ सही से पता पड़ जाएगा। एजिन कहता है, समय आने पर कब आएगा वो समय। एल्डर कहता है, तब जब वो तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करेंगे तब तुम उनके बीच जाओगे, जब वो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे तब तुम वहां से भाग जाओगे। जिन कहता है, क्या क्या कहा आपने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे केवल एक चीज समझ में आ रही है, आप किसी एनिमी के बारे में बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं मैं उससे फाइट करूं। एल्डर कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा होगा भी तो भी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपना रिवेंज खुद ले सकता हूं। तुम्हें बस अपने पार्टनर खोजने पर ध्यान देना चाहिए और इंतजार करना चाहिए, धीरे धीरे तुम सबको समझ में आ जाएगा। एजिन कहता है, ठीक है मुझे आपके ऊपर भरोसा है। ये कहते हुए एजिन उस पेंडेंट को रख लेता है। इसी समय एल्डर अचानक से एक बादल बनाकर उस एजिन के नीचे ले आता है और फिर उसे पूरी तरह से वहां भागने लगता है। ये देखकर एजिन बहुत चौंक जाता है। फिर कुछ ही मिनटों में वो जिस जगह पर होते हैं उस जगह से डायरेक्ट सेक्ट पहुंच जाते हैं। एजिन उस बादल के ऊपर से नीचे उतरता है और फिर एल्डर से कहता है, आपने ऐसा क्यों किया, आप हर बार ऐसा ही करते हैं, आप अचानक से कुछ भी कर देते हैं। ये कहते हुए एजिन जोर से हंसने लगता है। तभी एजिन जोर से देखता है, उसे पता चलता है वो सेक्ट के अंदर है। एजिन कहता है, हम वापस आ गए। एल्डर कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हम सेक्ट के अंदर वापस आ गए हैं, तुम्हें यहाँ पर आए पूरे 3 साल हो गए हैं, अब टाइम आ गया है खुद का रास्ता खुद चुनने का और खुद से आगे बढ़ने का। आगे के रास्ते में ध्यान रखना, आगे का कल्टीवेशन और भी ज्यादा टफ और डेंजरस होता जाएगा। एजिन कहता है, आपकी बातों का इतना बड़ा मीनिंग क्यों लग रहा है और ऐसा क्यों लग रहा है, आप बहुत ज्यादा सीरियस है। अगर फ्यूचर में मेरे पर कोई भी खतरा होता है तो मैं आपके पास में आ सकता हूँ, आप भी सेक्ट के अंदर ही हैं और मैं भी। वैसे अब हम सेक्ट के अंदर लौट आए हैं तो क्या अब मैं आपको मास्टर बुला सकता हूँ। एल्डर कहता है, बिल्कुल बुला सकते हो, लेकिन पहले मेरे सामने घुटने टेको, उसके बाद मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊंगा। ये सुनकर एजिन जाने लगता है और कहता है, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप तो मेरा एडवांटेज लेने लगे। ये सुनकर एल्डर जोर से हंसने लगता है। एजिन वहां जाते चिल्ला के कहता है, मैं अगली बार आऊंगा तो काफी सारे शराब लेके आऊंगा मास्टर। ये कहते हुए एजिन चला जाता है। एजिन जाने के बाद वो एल्डर सोचने लगता है, तुम मुझे मास्टर कह रहे हो लेकिन मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, मैं केवल तुम्हारा यूज कर रहा हूँ, ये केवल एक तरह की ट्रेडिंग है, मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है मैं उसकी कीमत जरूर से वसूलूंगा। इसी समय एल्डर की बॉडी पर बहुत तेज दर्द होने लगता है। एल्डर अपना संतुलन खो देता है और वो गिरने लगता है। एल्डर कहता है, गोल्डन बॉल ब्लैक होना शुरू हो गई है, अब मुझे लगता है मेरा समय आ गया है, मुझे मेरी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी फील नहीं हो रही। ये कहते हुए एल्डर जीने बैठ जाता है और फिर सोचने लगता है, मैं अभी यहाँ से जाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मैं कुछ साल और यहीं पे रहूं, उस लड़के को अच्छे से सिखाऊं, लेकिन अब शायद कुछ भी नहीं हो सकता। उस रात जो मैंने उस लड़के को हील किया था वो मुझ पर बहुत बुरा असर डाल रहा है, मुझे मेरी बॉडी पूरी तरह से पावरलेस फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जो मैं कई सालों से पढ़ना चाहता था
अब मैं उसे कभी भी नहीं पा पाऊंगा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये सब कुछ इतनी जल्दी होगा। उस दिन उस लड़के का हार्ट बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। अगर मैं ऐसे खड़ा होकर उसे तड़पता हुआ देखता रहता तो कुछ ही देर में मर जाता। इसलिए उस टाइम पे मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। मुझे उस लड़के को ठीक करने के लिए अपनी बॉडी की प्योरेस्ट स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करना पड़ा। अब इसे सोचने का कोई भी मतलब नहीं है। मैं किसी भी तरह से बच नहीं सकता हूँ। किसी भी तरह का रेयर रिक्रूटमेंट मुझे बचा नहीं सकता। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उस तलवार को अच्छी तरह से धार दे दिया है। मैंने उस लड़के को सब कुछ सिखा दिया है जो मैं उसे सिखा सकता था। अब बस उम्मीद है वो सीखना जारी रखे और इस दुनिया का सबसे ताकतवर कल्टीवेटर बने। अब वो लड़का अकेला है। अब वो पूरी तरह से अपने दम पर है। अब आज की बात से वो लड़का खुद डिसाइड करेगा कि अब उसे आगे क्या करना है। इसी समय उस एल्डर के जोरों से खून की उल्टी होने लगती है और फिर अपने आप ही सेक्ट के बाकी एल्डर्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि इस एल्डर के कुछ हो गया है। वो सबके सब एल्डर अंकल भाई चलाते हुए उड़ते हुए उस जगह पर आ जाते हैं जिस जगह पर वो एल्डर होता है। ये सबके सब अलग अलग वैली के एल्डर्स है। उन सभी के वहां पर आ जाने के बाद में ये एल्डर उन सभी एल्डर से कहता है, जैसा कि आप सभी को पता है मैंने उस लड़के को 3 साल तक ट्रेन किया। लेकिन जब मैंने उसे ट्रेन किया तब मुझे समझ में आया कि वो मेरी विरासत को संभालने के लायक नहीं है। मैं चाहता था मेरे जाने की बात में मैं अपनी विरासत को अपने एक स्टूडेंट को देके जाऊं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। ये सब कुछ अब ऐसे खत्म होने वाला है। अब यही शायद मेरा अंकल भाई का अंत है। ये सुनकर ये एल्डर कहता है, अंकल भाई आप किसी भी तरह की चिंता मत कीजिए। हमारे सेट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वो सभी बहुत ज्यादा काबिल है। अगर आप एक इशारा करेंगे तो मैं एक ही मिनट में काफी सारे स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ पर आ जाऊंगा जो सबके सब लायक होंगे। अंकल भाई कहता है, नहीं अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं एकांत में जाऊंगा। ये सुनकर ये वाला एल्डर सोचने लगता है। एकांत का मतलब होता है जब कोई कल्टीवेटर अपने कल्टीवेशन के एंड में पहुंच चुका हो और उसे पूरी तरह समझ में आ गया हो कि अब वो अपने कल्टीवेशन में आगे नहीं बढ़ सकता और उसकी लाइफ का आखिरी टाइम आ गया है। तब वो कल्टीवेटर एकांत में चला जाता है। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि वो कल्टीवेटर किसी जगह पर जाकर अपने मरने का इंतजार करने लगता है। ऐसा ही सीन इस एल्डर के साथ में पहले भी हुआ था, लगभग 800 साल पहले। और 800 साल पहले भी अंकल भाई ने इससे ये बात कही थी। उस टाइम इस एल्डर ने अंकल भाई को रोकने की कोशिश की थी और कहा था, आपको जाने की जरूरत नहीं है। अंकल भाई कहता है, नहीं अब जरूरत है जाने की। मुझे समझ में आ गया है मैं अब कल्टीवेशन में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। मेरे पास में अब कोई उम्मीद नहीं है। एकांत में जाने का एक फायदा और है। हमारे किसी भी अपोनेंट को पता नहीं पड़ेगा कि मैं जिंदा हूँ या मर गया। वो हमेशा इस डर में रहेंगे कि मैं जिंदा हूँ और वो कभी भी हमारे सेक्ट के खिलाफ कोई भी चाल नहीं चल पाएंगे। अपने इस फ्लैशबैक सोचने के बाद में ये एल्डर कहता है, लगभग 800 साल बाद में आप वापस आए थे और अब आप वापस जा रहे हैं वापस अपने एकांत में। लेकिन इस बार मैं आपको रुकूंगा नहीं। मुझे पता है आपने डिसीजन ले लिया है। आप मेरे कहने से भी रुकेंगे नहीं और आपने डिसीजन कुछ सोच समझ के लिया होगा। इसमें सेट का जरूर कुछ भला होगा। तभी अंकल भाई कहने लगता है, अब मैं अपनी लेजेंसी तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। जो कुछ भी मैंने अपनी लाइफ में सीखा है वो सब कुछ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये सुनकर वो सभी के सभी एल्डर मन ही मन खुश होते हैं। वो सभी अंकल भाई से कहते हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। ये सुनकर अंकल भाई अपनी लेजेंसी के बारे में अपने पूरे ज्ञान के बारे में उन पांचों को बताने लगता है। अंकल भाई एक जगह बैठकर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है जो कि बाकी के एल्डर सुनने लगते हैं। तभी ये सबसे आगे वाला एल्डर इस मंत्र को पहचान जाता है। वो कहता है, ये किस टीयर की स्किल है, ये तो कुछ सुनी सुनी सी लग रही है। फिर यही एल्डर चिल्ला के बाकी सभी एल्डर से कहता है, जल्दी से अपने कान बंद करो। ये सुनकर बाकी सारे एल्डर्स अपने कान बंद कर लेते हैं और फिर उस एल्डर से पूछने लगते हैं, क्या हुआ, तुमने ऐसा करने के लिए क्यों कहा। फिर वो सबसे आगे वाला एल्डर फिर से चिल्लाए कहता है, जल्दी से सबके सब पीछे हट जाओ। सभी एल्डर ये भी मान जाते हैं, वो तुरंत कूद के थोड़ा पीछे हट जाते हैं। ये देखकर अंकल भाई अपने बंद बोलना बंद कर देता है। सबसे आगे वाला एल्डर अंकल भाई से कहता है, अंकल भाई ये आप क्या कर रहे हैं, अब कई सालों से हमारे सेट के अंदर रह रहे हैं, हम आपकी ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, फिर आप हमें चोट पहुंचाना क्यों चाहते हैं। अंकल भाई कहता है, मैंने सब कब किया, तुम्हें मेरी लेजेंसी चाहिए थी और तुम सबने खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट भी किया था, तो मैं तुम्हें वही दे रहा हूँ। मैं तुम्हें से किसी को भी कहाँ चोट पहुंचा रहा हूँ। ये सुनकर एल्डर कहता है, आपने जो ये मंत्र पढ़ा इसको मैं जानता हूँ। ये मंत्र आपकी फैमिली का एक ट्रम्प कार्ड है। हम एक छोटे से सेट से बिलोंग करते हैं। हम इतनी बड़ी खतरनाक चीज को सीखने का दुस्साहस नहीं कर सकते। अगर हमने इस स्किल को सीख लिया और ये न्यूज बाहर निकल गई तो हमारा सेक्ट बंद हो जाएगा, हम सबके सब खत्म पड़ जाएंगे। हमें माफ कीजिए लेकिन हम आपकी इस लेजेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर अंकल भाई थोड़ा निराश हो जाता है और फिर वहां से जाने लगता है और कहता है, चलो कोई बात नहीं। ये वाला एल्डर कहता है, आपका शुक्रिया कि आपने हमारी बात को समझा। तभी ये पर्पल कपड़ों वाला एल्डर बोलने लगता है, वैसे आपके उस स्टूडेंट एजिनो क्या हुआ, क्या आपने उस लड़के को भी ये स्किल। ये सुनकर ये बीच वाला एल्डर सोचने लगता है, हाँ ऐसा हो सकता है, इन्होंने हो सकता है उस लड़के एजिन को ये स्किल सिखा दी हो। अगर ऐसा हुआ है तो वो लड़का एक छोटे से टाइम बॉम्ब की तरह है जो कि कभी भी फट सकता है। वो लड़का हमारे लिए बहुत रिस्की है, हमें जल्दी जल्दी उस लड़के को ढूंढना होगा। तभी अंकल भाई पीछे मुड़कर उससे कहते हैं, मैंने उस लड़की को ये स्किल सिखाने की कोशिश की थी लेकिन वो लड़का इस लायक नहीं है, उसका इस स्किल के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, इसलिए वो कुछ भी नहीं सीख पाया, वो केवल कोई छोटी मोटी स्किल ही जानता है।
ये सुनकर इस विषय एल्डर बोलता है, ये तो बहुत बुरा हुआ, आपने स्टूडेंट को अपनी स्किल सिखाने की कोशिश की लेकिन वो इस स्किल को सीख नहीं पाया। अंकल भाई कहता है, कोई बात नहीं, क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ अपने एकांत के लिए? आप सभी को गुड बाय हमेशा के लिए। ये सुनकर एल्डर कहता है, आपको इतना ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है जिस टाइम पे आप एकांत के अंदर हो उसी टाइम पे आपका लेवल अप हो जाए और आपकी लाइफ और भी ज्यादा बढ़ जाए। जब ऐसा होगा तो हम सबके साथ वापस यहाँ पर आएंगे और आपको कंग्रेचुलेट करेंगे। अंकल भाई कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये कहते हैं अंकल भाई वहां चला जाता है। ये सुनकर बाकी सारे एल्डर झुक कर अंकल भाई को आखिर बार प्रणाम करते हैं। फिर ये लड़की इस सबसे आगे वाले एल्डर से कहती है, अब हमें क्या करना है? आगे वाला एल्डर बोलता है, सबसे पहले तो यहाँ से चलो, हम यहाँ से सीधे पीक ऑफ फॉरबिडन स्काई सेक्ट जाएंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें पीक ऑफ फॉरबिडन स्काई सेक्ट के एक ऑफिस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ये चार एल्डर खड़े हुए हैं और एक एल्डर कुर्सी की ओर बैठा हुआ है। ये एल्डर जो कुर्सी की ओर बैठा हुआ है इसका नाम सैन ही है। ये इन सभी एल्डर्स के अंदर से सबसे टॉप का एल्डर है। सैन ही अपने एक साथी एल्डर से कहता है, रूटोंग क्या तुम्हें उस लड़के के बारे में कुछ पता है? क्या वो लड़का भी सेक्ट के अंदर है? रूटोंग कहता है, हाँ वो लड़का भी सेक्ट के अंदर ही है। तभी एल्डर जिसका नाम नियो है ये सैन ही से कहती है, क्या आपको सच में लगता है कि उस छोटे से बच्चे को वो स्किल आती होगी? सैन ही कहता है, मुझे तो नहीं लगता, बहुत कम चांसेस है कि उसको वो स्किल आती होगी। मैं इसके लिए बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं एक बात के लिए पूरी तरह श्योर हूँ कि वो अब इस सेट के अंदर नहीं रह सकता। नियो कहती है, क्या ये करना ठीक होगा? अंकल भाई ने कहा था कि उस लड़के को वो स्किल नहीं आती है, तो फिर उस लड़के को सेट से निकालना क्या ठीक होगा? सैन ही कहता है, हाँ पूरी तरह ठीक होगा, हमारे ऊपर एक आशीर्वाद है कि हम इस सेट के अंदर है लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए, ये आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा के लिए नहीं रह सकता। हम किसी भी तरह की रिस्क नहीं ले सकते, हमारे ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने हाथ की एक इशारे से इस पूरे सेट को खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर नियो कहती है, हाँ शायद आप ठीक कह रहे हैं, अगर सेट की सुरक्षा के लिए जरूरी है तो हमें ये करना ही होगा। तभी रूटोंग कहता है, मुझे पता था आप सभी की बातों का यही निर्णय निकलेगा, इसलिए मैंने पहले इस लड़के को यहाँ पे बुलवा लिया है। ये कहते हुए रूटोंग एजिन को जमीन पे गिरा देता है। फिर एजिन झटके से खड़ा होता है और उस एल्डर से कहता है, यानी कि रूटोंग से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर उठा के लेके आने की और मुझे इस तरह से यहाँ पे गिराने की? इसमें सैनिन कहता है, रूटोंग तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है तुमने इस लड़के को बहुत ज्यादा डरा दिया है। फिर सैनी एजेंट से कहता है, ए बच्चे शांत हो जाओ, हम तुम्हारे साथ में कुछ भी करने वाले नहीं है, हमने केवल तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए बुलवाया है। जिसमें एजेंट सैनिन की तरफ देखता है और उसे कहता है, अच्छा तो हम उसे क्वेश्चन पूछने जाते हैं लेकिन क्वेश्चन पहले मैं पूछूंगा, आप कौन है? जैसे एजेंट क्वेश्चन पूछता है रूटोंग एजेंट से भी जोर से मारता है और उसे कहता है, क्या तुम इन्हें नहीं जानते? ये सेक्ट लीडर है सैनहिन, इनके सामने तुम्हें रेस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। तभी सैनिन हंसते हुए एजेंट से कहता है, एजेंट मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुमसे पूछने जाता हूँ, पिछले 3 सालों में अंकल भाई ने तुम्हें क्या क्या सिखाया है? उन्होंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है उस सबको मुझे अच्छी तरह से बताओ। एजेंट कहता है, बिल्कुल उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर नियो कहती है, तुम तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो और तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है उन्होंने तुम्हें काफी अच्छी अच्छी स्किल्स सिखाई है, प्लीज उनके बारे में हमें अच्छी तरह बताओ, उन्होंने तुम्हें जो कुछ बताया वो सब हमारे साथ में शेयर करो। ये सुनकर एजेंट खुश होता है, कहता है, बिल्कुल मैं आपको खुद बताता हूँ, पिछले 3 साल में हम कई जगहों पर घूमने गए, वैसे देखा जाए तो उसे घूमना नहीं कहा जाएगा, उसे शिकार करना कहा जाएगा। इन पूरे 3 सालों में मैंने कई सारे मॉन्स्टर का शिकार किया और ऐसे उन्हें गिना जाए तो कम से कम 100 के ऊपर निकलेंगे जिनको मैंने अकेले अपने हाथों से मारा। शहनिन कहता है, उसके बाद में क्या हुआ? क्या उन्होंने तुम्हें कोई स्किल भी सिखाई? एजेंट कहता है, हाँ सिखाई थी। ये सुनकर वो सभी सभी एल्डर एजेंट के पास आकर उसे घूर के देखने लगते हैं। शहनिन कहता है, कौन सी स्किल जल्दी बताओ? एजेंट कहता है, उस स्किल का नाम था ट्रू फॉर्जिंग स्किल। ये सुनकर सभी सभी एल्डर थोड़ा शांत होते हैं। शहनिन कहता है, क्या तुम पूरी तरह श्योर हो उन्होंने तुम्हें कोई और स्किल नहीं सिखाई? एजेंट नाम से हिला देता है और सोचने लगता है, ट्रू फायर समाधि स्किल ये तो मैंने खुद से सीखी थी, मुझे नहीं लगता यहाँ पर उसका नाम लेना ठीक हुआ क्योंकि उन्होंने वही स्किल पूछी है जो कि अंकल भाई ने मुझे सिखाई। इसी समय शहनिन एजेंट के पास में आता है और उसके सर पे अपना हाथ रखता है और फिर अपनी स्किल को यूज करने लगता है। एजेंट अपने सर पे से शहनिन का हाथ रखने की कोशिश करता है। शहनिन कहता है, ज्यादा हिलो मत और बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, अपनी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को बना के रखो, उसको जितना उसके उतना तेज रखो। एजेंट वैसा ही करता है। फिर थोड़ी देर तक वैसे खड़े रहने के बाद में शहनिन एजेंट के सर पे से अपना हाथ हटाता है और कहता है, हो गया, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है, मुझे यकीन है तुम बिल्कुल ही झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। एजेंट कहता है, अभी सारी स्किल्स नहीं हुई है, उन्होंने मुझे कुछ फाइटिंग स्किल्स सिखाई थी, वो भी चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ। तभी रूटोंग एजेंट के पास में आता है और उसे गर्दन से पकड़ लेता है और फिर उसे कहता है, नहीं उसे किसी और दिन सीखेंगे, पहले यहाँ से चलो, मैं तुम्हें जहाँ से लेके आया हूँ मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आता हूँ। ये कर रूटोंग कोई एजेंसी स्किल यूज करके एजेंट को वहाँ से ले जाता है। रूटोंग और एजेंट के पास जाने के बाद में नियो सेक्रेटरी शहनी से पूछती है, सब कुछ कैसा रहा, क्या आपको कुछ पता पड़ा क्या इस लड़के को अंकल भाई ने वो लेजेंडरी टेक्निक सिखाई है? सैनी कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैंने एक बार पहले भी किसी एक बंदे को देखा था जिसको वो लेजेंडरी टेक्निक आती थी,
उसके पास जाने पर मैंने फील किया था कि उसकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज था, जो कि मुझे इस लड़के के पास जाने पर इस लड़के के सर पर अपना हाथ रखने में बिल्कुल ही फील नहीं हुआ। यानी इसका मतलब इसे वो स्किल नहीं आती है। न्यू कहती है, तो फिर आगे क्या करना है? ये सब तो हमारे लिए अच्छा है कि उसको वो स्किल नहीं आती, तो अब इस लड़के का हम क्या करेंगे? क्या हम अभी भी इसको सेट से बाहर निकाल देंगे? शैनी कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता है इसकी जरूरत है। अंकल भाई पहले एकांत में जा चुके हैं, उसके बाद में इस लड़के को सेक्ट से बाहर निकालना ठीक नहीं होगा। वैसे भी लड़का अभी बहुत छोटा है, इसका हमारे सेक्ट में रहने पर हम पे किसी भी तरह खतरा नहीं है। लेकिन एक बात को तुम सबके सब अच्छे से याद रखना इस स्किल के बारे में, और अंकल भाई से जो भी बात हुई उसके बारे में बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को भी पता चला तुम चारों को अच्छी पनिशमेंट मिलेगी। फिर सहनी इस पर्पल कपड़े वाले एल्डर्स कहता है, एल्डर्स यो, इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे पर छोड़ता हूँ। इस जो भी कुछ भी हुआ आज हमारे बीच में जो कुछ भी बात हुई वो बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर वो बात बाहर निकली तो सबसे ज़्यादा पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। सीओ कहता है, आप किसी भी तरह की चिंता मत कीजिए, ये बात बाहर नहीं निकलेगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें सेट के अंदर किसी और जगह से निकालते हैं जहाँ पे दो डिस्पल अभी नए नए इन्हें डिस्पल बने होते हैं। उनमें से एक डिस्पल दूसरे से कहता है, तो तुमने आगे कौन सा कोर्स डिसाइड किया? तुम्हें 5 कोर्स ऑफर हुए होंगे, तुमने कौन सा चुना? तुम अब आगे जाके किस स्किल की प्रैक्टिस करोगे? दूसरा डिसिपल कहता है, पहले तो मैंने इन 5 स्किल्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा, तब मुझे पता चला इनमें से 4 स्किल्स के लिए तो अलग अलग वैली बनी हुई है और 5वीं स्किल के लिए एक बड़ा सा हॉल है जिस जगह पर ये स्किल्स सिखाई जाती है। अब तुम मेरा डिसीजन सुन के हंसना मत, मैंने डिसाइड किया है मैं फॉरबिडन स्काई सोर्ड टेक्निक को सीखूंगा। पहला डिसिपल कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? फॉरबिडन स्काई सोर्ड टेक्निक हमारे लिए नहीं है, वो केवल उन डिसिपल्स के लिए है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और या फिर पहले से ही बहुत ज़्यादा अमीर हो। इस स्किल का हमारे जैसे लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है उनके लिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्किल यूज करके हम किसी भी रिसोर्स को बना नहीं पाएंगे। इसलिए ये स्किल पूरी तरह से बेकार है, और साथ ही इस स्किल को सीखने के लिए तुम्हें बहुत सारे रिसोर्स की जरूरत होगी जो भी तुम नहीं खरीद पाओगे। इसलिए केवल उसी स्किल को सीखने के बारे में सोचो जो तुम सीख सको। दूसरा डिसिपल कहता है, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं कुछ ज़्यादा ही समझ रहा था खुद को, और वैसे भी उस हॉल के अंदर केवल 10 डिसिपल्स को ही एक्सेप्ट किया जाता है, मेरे एक्सेप्टेंस का चांस भी बहुत कम है। इसलिए अच्छा होगा मैं किसी और स्किल के बारे में सोचूं जिससे मैं कोई रिसोर्स बना सकूं। इसी समय पहले डिसिपल को सामने की तरफ कोई लेटा हुआ दिखाई देता है, वो सीधे ही कहता है, देखो वहाँ कौन है? दूसरा डिसिपल उसे देखता है और प्रश्न करता है, वो कहता है, मैं इसे जानता हूँ, इसका नाम एजिन है, कुछ दिनों से मैं सड़कों को ऐसे ही देख रहा हूँ, ये लड़का यहीं पर पड़ा रहता है और पूरे समय शराब पीता रहता है। इन जैसे लड़कों का अपनी लाइफ के अंदर कोई भी गोल नहीं होता, वो बस ऐसे ही बैठे बैठे अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। इस दूसरे डिसिपल की बातें एजिन सुन लेता है, एजिन चिल्ला के उसे कहता है, अबे ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की, मेरे बारे में तू जानता ही क्या है, इधर आ मैं तेरे को सबक सिखाता हूँ। ये सुनकर दूसरे डिसिपल को गुस्सा आता है, वो कहता है, तू मुझे सबक सिखाएगा? इधर आ मैं तेरे को सिखाता हूँ। नहीं मैं या तो तेरे पास में, ये कहते हैं दूसरा डिसिपल एजिन तो बढ़ने लगता है। लेकिन तभी फर्स्ट डिसिपल सेकंड डिसिपल को रोक लेता है और उसे कहता है, तुम्हें इस लड़के से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लड़का पियक्कड़ है, ये पीने के बाद में कुछ भी बोल रहा है, तुम्हें अपना टाइम इसके साथ में वेस्ट करने के बजाय कल्टीवेशन में देना चाहिए। ये सुनकर दूसरा डिसिपल थोड़ा शांत होता है, फिर वो दोनों के दोनों वहाँ जाने लगते हैं। एजिन दोनों को वहाँ ज्यादा देख सोचता है, ये सब कुछ उस ओल्ड एल्डर के कारण हुआ है, उस एल्डर ने मुझे 3 साल तक उस जंगल के अंदर रखा, मेरे हाथों से केवल बीस्ट मरवाए लेकिन मुझे कुछ भी सिखाया नहीं, मैं तो अब तक अपना बेसिक भी भूल चुका हूँ। 3 साल तक वहाँ पर रहने के कारण मेरे को सब कुछ वापस से बेसिक शुरू करना पड़ रहा है, और इसे करने का केवल एक रास्ता है, बुक्स को पढ़ना। मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं है, मुझे यही करना होगा। कल्टीवेशन एक बहुत स्लो प्रोसेस है और मेरा एक डिसाइडेड गोल है जिसे मुझे हर हाल में अचीव करना है, जिसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। ये कहते हुए एजेंट शराब के नशे में लटखड़ाते हुए कहीं जाने लगता है, और यहाँ पर देखने से ऐसा लगता है जैसे एजेंट को अंकल बैग के साथ में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर एजेंट किसी हॉल ऑफ स्क्रिप्चर नाम की किसी जगह पर आता है, ये एक लाइब्रेरी की तरह है लेकिन यहाँ पर अलग ही है। यहाँ पर हर टाइप की केवल एक ही बुक होती है, कल्टीवेटर को जो भी बुक चाहिए वो तो सिलेक्ट करनी होती है। फिर उसके बाद में लाइब्रेरियन या फिर उस लाइब्रेरी का जो भी इंचार्ज होता है वो उस बुक की एक कॉपी बना देता है और फिर उस बुक का कॉपी वर्जन उस डिसिपल को दे देता है, और उसके बाद में ओरिजिनल कॉपी वापस से अपनी जगह पर रख दी जाती है। अब क्योंकि एजेंट अच्छे से कल्टीवेट करना चाहता है इसलिए वो यहाँ पर आया है किस अच्छी सी बुक को लेने के लिए। एजेंट के अंदर जाने पर वहाँ पर लाइब्रेरियन एजेंट की तरफ एक छोटा सा बक्सा देता है और एजेंट से कहता है, तुम लो टीयर एरिया में जा सकते हो, वो वहाँ पर उस तरफ है। एजेंट उस लाइब्रेरियन की बात मानकर उस तरफ चला जाता है, वहाँ पर देखता है दिखता है वहाँ पर कोई भी नहीं है, वहाँ पर चारों तरफ काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई है। एजेंट बुक्स को देखने लगता है, एजेंट पहली बुक दिखाई देती है जो कि बिल्कुल बेकार है, एजेंट उसे फेंक देता है। फिर एजेंट पूरी लाइब्रेरी के अंदर घूमने लगता है, एजेंट जैसे किसी बुक को देखता है उसके जो अंदर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ उसे सुनाई दे देता है। ऐसे करते हुए एजेंट थोड़ी देर में काफ़ी सारी बुक्स को सिलेक्ट कर लेता है और फिर कहता है, हाँ ये सारी की सारी मुझे सारी चाहिए। कहकर एजेंट उन सभी बुक्स को लेकर लाइब्रेरी के पास में जाता है और उसे लाइब्रेरी के सामने रख के कह देता है, मुझे सारी दे दो। लाइब्रेरियन कहता है, शायद तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि इन सभी कॉपी हम तुम्हें फ्री में करके दे देंगे।
तुमने बुक्स तो काफी सारी सिलेक्ट कर ली, लेकिन क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? एजेंट कहता है, हाँ मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। पिछले 3 साल से मैं जंगल के अंदर था। मैंने वहाँ पर काफी सारे बीस्ट मारे। उन बीस्ट को मारने पर मुझे काफी सारे रिसोर्सेज मिले, जिनको बेच कर मुझे काफी सारे पैसे मिले। मेरे पास लगभग 500 स्पिरिचुअल स्टोन है। मुझे यकीन है इन सभी बुक्स की कीमत इससे ज्यादा नहीं हो सकती। लाइब्रेरियन कहता है, तुम पूरी तरह से गलत हो। इन बुक्स की कीमत 1300 स्पिरिचुअल स्टोन है, जो कि हम तुम्हें ओरिजिनल देंगे। हम इनकी कॉपी करके फिर तुम्हें देंगे, और ये 1300 भी मैं तुम्हें कॉपी का चार्ज बता रहा हूँ। ये सुनकर एजेंट बहुत चौंक जाता है। एजेंट कहता है, 1300 इतने ज्यादा? एजेंट लाइब्रेरियन कहता है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, इनका प्राइस इतना ज्यादा हो ही नहीं सकता। शायद आपने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ कर दी है, प्लीज एक बार फिर से काउंट कर दीजिए। लाइब्रेरियन कहता है, मेरे से और गड़बड़ हो ही नहीं सकती। ये जो बुक लाए हो इन बुक्स को कॉपी करने के लिए 13 स्क्रिप्ट लगेंगे। 13 स्क्रिप्ट के अंदर ये सारी सारी बुक्स कॉपी होगी, और हर एक स्क्रिप्ट का साइज 100 स्पिरिचुअल स्टोन है। तो हो गए ना 1300 स्पिरिचुअल स्टोन। और अब तुम इसमें पैसे कम करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये प्राइस पहले ही सबसे कम है। इस प्राइस को इससे कम नहीं किया जा सकता। ये सुनकर एजेंट सोचने लगता है, ये तो मुझसे बहुत ज्यादा प्राइस ले रहे हैं, जितना मैंने सोचा था ये सब बहुत ही ज्यादा है। तभी वो लाइब्रेरियन कहता है, तुम्हारे पास में पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ी कम कॉपी बुक्स को कॉपी करा लो, जितने पैसे हो उतने ही स्क्रिप्ट लेके जाओ। एजेंट कहता है, अब कोई रास्ता नहीं है, यही करना पड़ेगा। ये कहने के बाद में एजेंट उनमें से 6 बुक्स सेलेक्ट करता है और फिर उनको कॉपी रेडी करवा देता है। वो लाइब्रेरियन वैसे ही करता है, पब्लिक स्किल को यूज करके उन बुक्स के अंदर जो कुछ भी डेटा वगैरह होता है उन सभी को इन स्क्रिप्ट के ऊपर रेडी कर देता है, और फिर इन्हें एजेंट को देते हुए कहता है, एक बात को अच्छे से ध्यान रखना, ये स्क्रिप्ट केवल 7 दिन तक डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। यानी कि इसका मतलब इन स्क्रिप्ट के ऊपर जो कुछ भी मैंने लिखा है वो केवल 7 दिन तक इनके ऊपर लिखा रहेगा, उसके बाद मिट जाएगा। ये सुनकर एजेंट कहता है, ठीक है। ये कर एजेंट जाने लगता है। लाइब्रेरियन कहता है, जहाँ कह रहे हो पैसे दे के जाओ, तुम्हें 6 स्क्रिप्ट मिले हैं, यानी कि तुम्हें 600 स्क्रिप्चुअल स्टोन देने होंगे। एजेंट कहता है, तुमने प्रोफेशन को लाइब्रेरियन कहते हो, इसका नाम बदल लो, इसका नाम डाकू रख लो, क्योंकि तुम लोगों को लूट रहे हो, बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हो इतनी चीज के लिए। ये कहते हुए जिन उसके पास जितने भी स्पिरिचुअल स्टोन होता है उन्हें गिनने लगता है। उसके पास में केवल 591 स्पिरिचुअल स्टोन है। ये देख रेजिन चौंक जाता है। वो कहता है, मेरे पास में तो नोक कम है, अब ये मुझे ये देगा नहीं, लेकिन मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। ये कहते हुए जिन उस लाइब्रेरियन कहने लगता है, मेरे पास में 9 स्पिरिचुअल स्टोन कम है, क्या तुम इन 9 स्पिरिचुअल स्टोन को छोड़ सकते हो? लाइब्रेरियन कहता है, मैं कई सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आज तक एक बार भी नहीं हुआ है कि किसी ने मेरे साथ बार्गेनिंग करने की कोशिश की हो। एजेंट कहता है, तब तो और अच्छी बात है ना, पहली बार समझ के छोड़ दो, मैं पक्का वादा करता हूँ अगली बार तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा। लाइब्रेरियन कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पैसे नहीं है तो स्क्रिप्ट भी नहीं मिलेंगे। ये कहते हुए लाइब्रेरियन अपने स्किल यूज करके एजेंट के हाथ में से एक स्क्रिप्ट को खींच लेता है। एजेंट कहता है, प्लीज मेरी मजबूरी को समझो, मेरे को ये स्क्रिप्ट चाहिए, मैं आपको इनमें से एक भी स्क्रिप्ट नहीं देना चाहता। मेरे पास इस टाइम पे 9 स्पिरिचुअल स्टोन कम है, मैं आपसे वादा करता हूँ जब मैं अगली बार आऊंगा तो 9 के बदले आपको 20 स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा। लाइब्रेरियन स्किल भी नहीं मानता, वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जब तुम स्पिरिचुअल स्टोन दोगे तभी तुम्हें ये स्क्रिप्ट मिलेंगी। एजेंट कहता है, आप इसे क्या करेंगे, आपने इसके अंदर लिख तो दिया ही है ना, वो 7 दिन बाद में बिल्कुल बेकार हो जाएगा, इससे तो अच्छा होगा आप इसे मुझे दे दीजिए। ये सुनने बाद भी एल्डर नहीं मानता। एल्डर जबरदस्ती एजेंट के हाथ में से उस स्क्रिप्ट को खींच लेता है। उसी समय पीछे से किसकी आवाज सुनाई देती है, एजेंट तो तुम यहाँ हो, अभी भी तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो। एजेंट पीछे मुड़कर देखता है, वहां पर एक लड़का और एक लड़की खड़ी हुई है। वो लड़की लाइब्रेरियन के पास में आती है और उसे कहती है, मैंने भी सुना इस लड़के के पास में 9 स्पिरिचुअल स्टोन कम है, इस लड़के की तरफ से मैं आपको देती हूँ, इस लड़के को जो चाहिए वो आप इसे दे दीजिए। एजेंट कहता है, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकती, मैंने आपसे अभी तक कुछ भी नहीं मांगा है, आप मेरी तरफ से किसी को भी कुछ नहीं दीजिए। लड़की कहती है, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, 9 स्पिरिचुअल स्टोन की तो बात है, मेरे लिए इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एजेंट कहता है, वैसे आप हैं कौन? वो लड़की कहती है, क्या तुम मुझे भूल गए, हम लास्ट टाइम पर्पल फॉरेस्ट के अंदर मिले थे, उस टाइम पे हम साहू के साथ में थे, तुमने साहू को बहुत बुरी तरह से मारा था। जिसको एजेंट को याद रहता है कि ये लड़की कौन है, इस लड़की का नाम जहीर है। एजेंट उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है कि तभी ये लड़का एजेंट से कहता है, तुम इंतजार किसका कर रहे हो, इन्होंने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें इनको शुक्रिया कहना चाहिए। एजेंट उस आदमी से दिखता है और उससे कहता है, तुम हो कौन, मैं कुछ जहीर से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में मत बोलो और तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तभी उस आदमी गुस्साने लगता है, वो एजेंट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जहीर बीच में आ जाती है। जहीर उस आदमी को रोक देती है और उसे कुछ इशारा करती है। इशारे को देखते ही जहीर पूरी तरह शांत हो जाता है। फिर जहीर एजेंट से कहता है, मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफी चाहता हूँ, मेरा नाम सूर्न जुई है, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपसे इतनी रूडली बात की, मैं बस आपसे जानना चाहता हूँ कि क्वीन जहीर आपको कैसे जानती है। एजेंट कहता है, हमें मिले हुए तो काफी साल हो गए हैं, वो मुझे काफी लंबे टाइम से जानती है। क्वीन जहीर आपके लिए अच्छा होगा कि आप ही इन्हें मेरे बारे में बताएं। ये सुनकर सुजू क्वीन जहीर से पूछने लगता है, क्वीन जहीर ये क्या हो रहा है, बताइए मुझे आप इस लड़के को कैसे जानते हैं, क्या आपका इस लड़के के साथ में कोई रिलेशन है? जहीर कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये सारे स्पिरिचुअल मेरे हैं, मैं इसे किसको देती हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, और इस लड़के से मेरा क्या रिलेशन है इससे भी तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।
नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।